कभी ये फर्स्ट ट्रिकी पेपर होता है, कभी ये सेकंड होता है, और जो दूसरा ट्रिकी पेपर है वो कौन है, F5PM। तो इन दोनों को जाहिर है फिर इन दोनों की तैयारी करते हुए ज्यादातर जो है ना वो थोड़ा सा स्टूडेंट परेशानी होता है, और ये परेशानी ही पास करवाती है आप। ओवर परेशानी, ओवर कुछ भी अच्छा नहीं होता, हम देखेंगे ओवर स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं होती, सही है। सो ओवर कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्लास परेशान होना ठीक है, एडिक्वेट है, आप परेशान हो क्योंकि परेशानी आपको लगा के रखती है पेपर के साथ, लेकिन ज्यादा परेशान ना, क्योंकि जो डर गया फिर वो, ये भी सुना हुआ आपने माशाल्लाह। सो दुआ सबसे पहले जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो दुआ जो है वो स्टार्ट करते वक्त पेपर की प्रिपरेशन, या आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस वक्त हमें ये करनी चाहिए कि ऐसी तैयारी हमारी हो जाए कि हमारा पेपर जो है वो क्या हो, क्योंकि अगर आप पेपर में लिख कर आ गए जो भी कुछ है तो फिर तो आपने कर दिया काम, उसमें भी आपके बहुत ही अच्छे कर्म हैं, तो हो सकता है गैब से अल्लाह ताला जो है वो मदद फरमा दे, लेकिन बेहतर टाइम जो है ना वो दुआ का यही होता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर, लेकिन सिर्फ दुआ ही करते हैं हम तो उससे भी हमें कोई हासिल नहीं होता। तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो है वो हमने देखी होंगी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने याद रखी होंगी और पेपर में यूज करनी होगी। असल में मसला ही स्टूडेंट्स का, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अगर रुकते हैं इस पेपर में ज्यादातर, तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है ना वो दो वीकनेसेस होती हैं। एक तो यहाँ तक पहुंच के भी हमारा अलमिया है कि हमारी इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं हो पाती, कि हम एक्सप्लेन जो है ना वो अच्छा बेहतर नहीं कर पाते, एक तो बड़ा मसला ये होता है। और दूसरा बड़ा मसला कि इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, एग्जामिनर जब आपको चाह रहे हैं कि आपने ऑडिट पढ़ा है तो आप ऑडिट स्पीक ऑडिट थिंक लाइक ऑडिट, सही है, एंड स्पीक लाइक एन ऑडिटर। सो जब वो चाह रहे हैं कि आप बात करो ऑडिटर की, टर्मिनोलॉजीज यूज करो, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज यूज करो, और वहां आप इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, तो चेक का वर्ड उसने अलग अलग डिफाइन कर दिया ऑडिट में, किस तरह से चेक करने का नाम कुछ और रखा हुआ है, फिर देखते रहेंगे हम चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो अगर हम सिर्फ इतना सब पढ़ने के बावजूद जाके वहां सिर्फ ये लिखकर आ रहे हैं, लेजी राइटिंग कर रहे हैं हम, चेक करेंगे चेक करेंगे चेक करेंगे, तो इसका मतलब एग्जाम सही भी बोल रहे होगे ना कि ये चेक करेंगे वो चेक करेंगे, तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देने वाला नहीं, इसका मतलब ये आपने आपने सीखा ही नहीं ऑडिट पढ़ते हुए कुछ। सो एक प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड व्हेन यू आर बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, तो जाहिर है फिर आपके लिए ये वाला पेपर जो है ना वो आपको डिफाइन करता है एज अ प्रोफेशनल, और अगर आप इस लैंग्वेज में नहीं बोल पाते ऑडिटर की जो लैंग्वेज है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, सही है, कंफर्मेशन का क्या मतलब है, इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं, इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स तुम पहले से पढ़कर आए हो, लेकिन ऑडिट में इन सब की क्या मीनिंग निकलती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर, ये सब चीजों को हमें क्या करना है फिर ग्रास्प करना है, और इसी टोन में जाके, इसी यानी इसी वोकैबुलरी को जाके जो है ना हमने उगलना है पेपर पर, सही। तो सबसे पहले तो ग्रिप में आपने ये चीज रखनी है कि आपने ऑडिट टर्मिनोलॉजी में जाके जो है ना वो पेपर देना है, नॉर्मल प्लेन जनरल लेमैन जैसे बात करता है ना कि इसको चेक कर लेंगे उसको, इस तरीके से आपने जो है ना वो पेपर नहीं अटेम्प्ट करना। अब जब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये चीज तुम्हें पता है तो तुम्हें फिर इस इन जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो उन टर्म्स की इंपॉर्टेंस भी जो है ना वो फिर शुरू से ही समझ में आ रही होगी कि हाँ इसको हमने क्या करना है, अपनी ग्रिप में रखना। बहरहाल बहुत बड़ा समंदर है, हम इसमें गोते लगाते रहेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक मशहूर जमाना चीज हमें नजर आ रही है, ठीक है, इनवॉइस नजर आ रही है कंपनी की, ठीक। तो जरा हम देखते हैं एक नॉर्मल ऑडिट में करते क्या है हम, कोई बड़ी चीज नहीं होती, नॉर्मली जो आप अपने घर में करेंगे, आपके पास बिल आएगा तो चेक करेंगे उसमें 10 चीजों को, तो वही आपने ऑडिटर बन के भी करना होता है, बिकॉज ऑडिट का वर्ड ऑडायर से डाइव हुआ है, किससे, सो द अम्ब्रेला टर्म हेयर इज ऑडायर, उसी से ऑडियो का वर्ड भी निकला है, उसी से ऑडिट का वर्ड भी निकला है, एंड ऑडायर का मतलब है टू हेयर, सुनना, जैसे पप्पो में बातें सुन सकती हूँ, सही है, तो हमने भी थोड़े से पप्पो की तरह से ही काम करना, लेकिन प्रोफेशनल वे, ठीक, वहां बातें सुननी है जहां हमारी प्रोफेशनल राइट है और प्रोफेशनल ड्यूटी है कि हमने बातें सुननी है। सो बातें सुनने का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि जाके कंपनी में जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात, यहाँ बातें सुनना फिगरेटिवली यूज हो रहा है, और इसका मतलब यही है कि जाके क्या करो, चेक करो चीजों, तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है, अगर हम ले मैन को समझाना चाह रहे हैं कि ऑडिट क्या है तो दिस इज व्हाट चेकिंग, तो लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन, सही है,
आपका घर है और आपके पास ये बिल आया थोड़ी देर के लिए मिस्टर सैयद कमरुद्दीन की जगह पर, आप समझिएगा आपका नाम, ठीक है, आपके पास ये बिल आया। इस बिल की जो ट्रूथफुलनेस है, इस बिल की जो फेयरनेस है, उसको चेक करने के लिए क्या-क्या चीजें देखोगे बिल में? सही यूनिट भाई, एक आंसर आता है मेरे पास, मैं जरा यहाँ लिखता जाता हूँ चीजों को। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो देख ले, मैंने ग्रुप पे भी जो है ना पीडीएफ शेयर कर दी है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। अच्छा जी, केस वन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ये बिल आया है, ये केस वन है हमारा। और इसमें सबसे पहले तुमने कहा जुबैर कि क्या चीज चेक करेंगे हम, यूनिट्स चेक करेंगे, ठीक है। और कोई चीज, ठीक, कौन सा अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट्स लिखे हुए यहाँ पर, वी हैव टू बी स्पेसिफिक। सही, यूनिट का रेट जबरदस्त, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कुछ बता रहे। चलें जी, एक बात आ गई, कौन सा, टोटल बिल अमाउंट, ठीक है भाई, टोटल अमाउंट आ गया, ठीक, रेलेवेंट मंथ, जबरदस्त भाई, मंथ चेक करेंगे हम, रेलेवेंट होना चाहिए, रेट जो है वो ठीक है। बिलाल और बताओ, ठीक नंबर है जी, हम कंज्यूमर नंबर वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि हमारा है भी नहीं है, बट पता चले हमारा नहीं है फिर भी हम देख के, बाय हमारे गलती से डिलीवर हो गया, हम परेशान हो जाए, उछल जाए। सही है, सो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम, मैं इसको कंज्यूमर नंबर कहते हैं आई थिंक ये लोग ना, सो मैं इसको कह देता हूँ कि हम क्या चेक करेंगे, कंज्यूमर नंबर चेक करेंगे, अरियर्स हैं जबरदस्त या नहीं है ये चेक करेंगे हम, ठीक है जी। जुनेद और बताएं, जबरदस्त, ठीक है जी, ड्यू डेट भी चेक करेंगे क्योंकि हमारा पहले हमने पे करना है एक्स्ट्रा अमाउंट से बचने के लिए। नहीं लगे हैं फैक्ट रेट्स टैक्स सही लगा है, टैक्स रेट सही लगे हैं, ये भी चेक करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, ये तो चेक करते रहेंगे हम, 3 घंटे गुजर जाएंगे, बस यहाँ तक लिमिट करते हैं इसको। सो माशाल्लाह आप लोग देख ही रहे हैं, ये चेक करना होता है तो क्या कर लिया आपने, बैठे बैठे छोटा सा ऑडिट कर लिया, और क्या है ऑडिट चेक करना है। सही है, तो हमारे घर में जब इस तरह की कोई बिल या कोई रिसिप्ट आती है, हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हम शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो एक रिसिप्ट जनरेट होकर हमें मिलती है बड़ी सारी, वो स्ट्रिप, उसको भी चेक कर लेना चाहिए भाई, मिस्टेक्स हो सकती हैं। अक्सर हो जाता है कि वो उन्होंने एक दफा अपना वो जो बार कोड रीडर है उसके सामने से गुजारा, उसने 2 दफा कैच कर लिया उसको, या उसने इधर देखा इधर देखा, आप बिजी थे तो उसने खुद ही 2 दफा गुजार दिया, इसका कमीशन उसको अंदर से मिलेगा। सही है, ऐसा भी हो सकता है, हु नोस, ठीक, ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं कर सकते हम। सो जैसे हम उन रिसिप्ट को चेक करते हैं, तो इसी तरह से हम कंपनी में भी जाके कंपनी के रिसिप्ट, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या करते हैं, चेक करते। और स्टार्ट होती है चेकिंग कहाँ से, अपने घर से, घर वालों पे शक नहीं करना शुरू कर देना हमने, सही, लेकिन स्टार्ट जाहिर है ये चेकिंग की एक्सरसाइज जो है वो हम घर से करते हैं। खाना खा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में जाके, आखिर में जब वो बिल लेकर आते हैं तो क्या कर लेते हैं हम, एक नजर मार लेते हैं कि भाई जो हमने ठूसा है वही, उसी के लिए हमें बिल किया गया है या कोई एक्स्ट्रा चीज लगा दी गई है, ठीक। सो एक्स्ट्रा चीज, वाकई में एक्स्ट्रा चीज तो नहीं डाल दिया गया, हालांकि हमने एक्स्ट्रा चीज नहीं मंगाया था। सो ये सब चीजें हम जो है वो देख रहे होते। सो लेट्स चेंज द सिचुएशन, केस वन था कि ये बिल किसका था भाई, हमारा था। नाउ केस टू की तरफ चलते हैं, और अब हम केस टू में ये देखेंगे कि ये हम एक कंपनी में गए हैं ऑडिट करने के लिए, और उस कंपनी ने आपको ये बिल दिया कि हमारा ये बिल आया, नहीं तो ये बिल किसका है, उस कंपनी का है जहां आप ऑडिट करने के लिए गए। तो अब मुझे बता दो क्या क्या चीजें चेक करोगे, ये सारी चीजें देखें, जितनी भी ये चीजें चेक की हैं केस वन में, क्या ये सारी चीजें दोबारा चेक करें? सही है, ये सारी चीजें जो है वो वर्थ करती हैं कि हम दोबारा चेक करें, ठीक है जी। सो हम ये सारी चीजें, मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये हो गया भाई, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें जो है ना वो चेक करेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चेक करेंगे, जैसे कि टोटल टोटल बिजनेस यूज और पर्सनल यूज डिवाइस के अंदर ठीक है, बिजनेस यूज हो वो तो के इलेक्ट्रिक कंपनी के हिसाब से लिख कर देगा ना, थोड़ी देर के लिए समझो कि कमरुद्दीन नहीं लिखा हुआ, किसका नाम लिखा हुआ, कंपनी का नाम लिखा हुआ, ठीक, कमरुद्दीन ही है ना इसमें। सो किसके हिसाब से देगी वो, कंपनी के हिसाब से देगा के इलेक्ट्रिक, कंपनी का टैक्स पेयर नंबर चेक कर लेंगे हम, जबरदस्त, सही, कंज्यूमर नंबर आए। नहीं वो तो अलग होता है, अच्छा वो कंज्यूमर नंबर आपको के इलेक्ट्रिक ने दिया हुआ, एनटीएन नंबर आपको किसने दिया हुआ, फिर टैक्स रजिस्ट्रेशन बॉडी ने दिया हुआ, एफबीआर ने दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर रुकते हैं,
कंपनी के लिए थ्रेट करने के लिए जा रहे हो ना, तो जहन में क्या चीज होनी चाहिए तुम्हारे, हो सकता है कंपनी एक्सपेंस यहाँ पे क्या करके दिखा रही है, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो हो सकता है कंपनी एक्सपेंस क्या करके दिखा रही हो, ओवरस्टेट करके दिखा रही हो, या दोनों चीजें हो सकती है, अंडरस्टेट करके दिखा रही हो। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और हम जो है वो क्रॉस चेक करने के लिए पिछले साल का भी बिल देख सकते हैं, क्या ख्याल कि पिछले साल भी इतना आया था या नहीं आया था, क्योंकि होता ये है कि वो देखिए जो ग्राफ इन्होंने बना के दिया हुआ, इन्होंने भी काफी आसानी कर दी इलेक्ट्रिक वालों ने, कुछ तो जाहिर है दुआएं लेंगे आसानी करके ही। सो इन्होंने जो है वो जिस तरह से ट्रेंड हमें बताया हुआ, तो इसी तरह से उस मंथ में अगर कंपनी सेम प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है, ऐसा नहीं है कि विंटर में कोई एडिशनल विंटर का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसका कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जाहिर फिर इस साल के जो यूनिट्स हैं सेप्टेम्बर के, वो पिछले साल के सेप्टेम्बर के यूनिट्स के लगभग क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सही है। सो इसी तरह से अगर हमें ये रिस्क है कि ये कंपनी ने ऐसा ना हो, क्योंकि देखो आज ये ऑनलाइन, मैंने भी ऑनलाइन निकाला ऐसे रैंडम नंबर डाला आ गया किसी का। सो अब ये जो बिल है बेसिकली ये ऑनलाइन कंपनी ने निकाल के ऑडिटर को देने के लिए, ऑडिटर ने कहा मुझे प्रिंट आउट चाहिए बिल का, उसने कंपनी ने जो है वो ऑनलाइन निकाल के, वो ग्राफिक डिजाइनर तो हो सकता है पहले बिठाया हुआ उन्होंने, पीडीएफ फॉर्म में आता है उसमें हो सकता है क्या करवा दिए उससे, अमेंडमेंट्स करवा दिए, सही, तो हमारे जहन में तो फिर क्या होगा, ये रिस्क भी होगा। सो इसके लिए हमें चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट क्रॉस चेक करने के लिए, डायरेक्ट चेक कर सकते, कैसे, वेबसाइट पे जाके कंपनी का मीटर देखकर, कंज्यूमर नंबर देखकर वहां से दोबारा एक कॉपी क्या कर सकते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम मांगेंगे उनसे अलग से, सही है, हम उनसे क्या करेंगे अलग से मांगेंगे, इससे भी कुछ पता चलेगा हमें कि जब वो हमें देंगे और फिर हम क्रॉस चेक करके खुद डाउनलोड करके देखेंगे, तो इससे भी कुछ पता चलेगा कि उनका झूठ बोलने का एपेटाइट है या नहीं है या कितना है, और हम श्योर भी हो जाएंगे। सो दिस वॉज वॉट केस टू, अब केस थ्री की तरफ चलते हैं, केस थ्री, आप के इलेक्ट्रिक का ही ऑडिट करने चले गए, अल्लाह रहम करे आप, आप किसका ऑडिट करने चले गए, के इलेक्ट्रिक का, वहां पर अब जाहिर है ये एक इनवॉइस है जो उन्होंने अपने किसको भेजी हुई है, जब के इलेक्ट्रिक के सेंस में देखो तो के इलेक्ट्रिक ने अपने कस्टमर्स को ये क्या भेजी हुई है, और उसमें से एक इनवॉइस तुम्हें दे दी है, अब जहन में क्या चीज आती है तुम्हारा, क्या क्या चीजें चेक करें, कैसे जो है वो देखें इसको, कोई हो सकती है डिस्क्रिपेंसी इसमें, या डिस्क्रिपेंसी रखकर वो क्या, यानी कुछ ऊंच नीच कर ओवर स्टेट और अंडर स्टेट कर वो क्या दिखाना चाह रहे हो सकते हैं, सही है, डायरेक्टली उनके सिस्टम को एक्सेस करके हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो कंज्यूमर नंबर उनके सिस्टम में हमने डाला और उससे हमारे सामने जो है वो यूनिट्स कंजम्पशन वगैरह ये सब चीजें आ गई, और यही बात कि वो पार्टी है भी उसका नाम वाम ये सब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या ये हमें करना होगा, यही तो करना होगा, सही है, और क्या करने जा रहे हैं हम। सो इस तरह की बहुत सारी बेशुमार इनवॉइसेस जो है वो हमारे सामने होंगी, बिल्स हमारे सामने होंगे, किसी बॉडी के लिए ये एक्सपेंस होगा, किसी बॉडी के लिए क्या होगा, ये रेवेन्यू होगा, सही है, तो हम हमारी तो हेड ऑफ अकाउंट से पांच, सो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, अगर हम फाइनेंस के ही ऑडिट की बात करें, एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीनों जो है ना वो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पांचों हेड ऑफ अकाउंट्स डिस्प्ले हो रहे हो, और वही बात, किस बॉडी के लिए तुम गए हो उसके लिए वो फिगर क्या हैसियत रखती है, और उसकी ऊंच नीच से क्या इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ सकता है, और किस लिए हमने फिर उसको जो है वो चेक करना है, ये सब चीजें जहन में लाके फिर हम क्या करते हैं, क्लास चेकिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स वाई अगर आप के इलेक्ट्रिक में चले गए तो ये सारी की सारी चीजें भी चेक होंगी, फिर डिटेल में जो है ना वो इसको मैं कह देता हूं कि आप कस्टमर की आइडेंटिटी से लेकर उसके यूनिट्स कंजम्पशन और पास्ट ईयर्स के यूनिट कंजम्पशन, यही सब सारी चीजें जो है वो तुम देख रहे होगे। तो मजे की बात क्या हो गई, चाहे अपने घर का बिल चेक कर रहे हो, कॉमन क्या चीज है, चाहे अपने घर का बिल चेक कर रहे हो, या कहीं ऑडिट करने के लिए गए हो क्लाइंट कंपनी में उनका बिल चेक कर रहे हो जो उनके पास आए के इलेक्ट्रिक की तरफ से, या के इलेक्ट्रिक का ही ऑडिट करने के लिए चले गए, उन्होंने अपने एक क्लाइंट का बिल तुम्हें दिया हुआ है, तुम वो चेक कर रहे हो, चेक करने वाली चीजें तो क्या है, सारी की सारी कॉमन सेम ही है तकरीबन,
सही है, बस पर्पस किस लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, सही है, इसके ऊंच नीच से क्या इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ सकता है, असल चीजें जो है ना वो हमें ये देखनी होगी। अब जैसे थोड़ी सी यहीं पर मैं आपसे बात करूं, चलिए इसको खत्म कर लें तो फिर हम बात करते हैं। अब जैसे अभी तक हम कह रहे हैं क्या चेक करेंगे क्या चेक करेंगे, अभी हमने एक एक्टिविटी की थी, तुमने कहा कि हम अगर उन्होंने हमें जो है वो एक कंपनी का ये बिल आया कि इलेक्ट्रिक का और उन्होंने हमें ये कॉपी निकाल के दिए, तो हम खुद सिस्टम से क्या कर लें, चेक कर लें। अच्छा अब अगर जाहिर सिस्टम से चेक कर रहे हैं तो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जाएंगे हम, के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे कंज्यूमर नंबर डाल के देखेंगे, वहां से हम क्या करेंगे बिल की कॉपी निकाल लेंगे। तो याद रखो मैं इसको फिर बताऊंगा, अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। सो क्लास, आप जब के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट से ये डाउनलोड करेंगे तो के इलेक्ट्रिक एक एक्सटर्नल पार्टी होगी उस कंपनी के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल पार्टी होगी, चेक कर रहे हो ना, एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्म कर रहे हो अमाउंट, तो ऑडिट की लैंग्वेज में चेकिंग को कंफर्मेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज द इंग्लिश वर्ड, कोई नया वर्ड नहीं आपके लिए, लेकिन ऑडिट की लैंग्वेज में जब आप एक्सटर्नल पार्टी से एक अमाउंट जो है वो चेक करते हो, रिकनसाइल करते हो, तो इसको करने को क्या कहते हैं फिर हम, कंफर्मेशन कहते हैं। सो ये जो चीज है ना ये हमने देखनी है। अगर अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि भाई केस थ्री में के इलेक्ट्रिक का ही ऑडिट करने चले गए, तो उनके अपने सिस्टम में डाल के जो है वो इन्फॉर्मेशन, वो क्लाइंट का बिल जो है वो सिस्टम से जनरेट करके देखोगे, तो वहां तुम किसी एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्म, नहीं यहां तुम इंटरनल ही देख रहे हो, इसको इंस्पेक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंस्पेक्शन बोलते हैं। सो ये चीज देखनी है हमने बेसिकली, ये स्टैंडर्ड्स, ये नाम समझने, ताकि व्हेन यू आर इन अ टीम ऑफ ऑडिटर, सही है, तो आप एक खास लैंग्वेज में बात करें और आपके टीम मेंबर को क्या हो, समझ में आ जाए कि हाँ मैंने कंफर्मेशन कर लिया, तो उसको फटाफट समझ में आ जाए कि हाँ क्या हुआ है, एक्सटर्नल पार्टी से क्या कर लिया गया उसको, ठीक है, रिकनसाइल कर लिया गया, लेट्स, हाँ मैंने इंस्पेक्शन कर लिया है, ठीक है, तो फटाफट उसको दूसरे को समझ में आ जाए कि हाँ इसका मतलब इंटरनल रिकॉर्ड क्या कर लिया गया, देख लिया गया। सो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बेसिकली जो है वो हमने देखनी है। ठीक है, इस बिहारिक पिक्चर से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, हम आसान हो रही, थोड़ी देर रुकते हैं। अच्छा जी, सो स्ट्रक्चर ऑफ हमारा ऑडिट एंड अश्योरेंस का पेपर, ऑडिट का मतलब तो हमने देख लिया क्या होता है भाई, चेक, अश्योरेंस का क्या मतलब, अच्छा अश्योरेंस का मतलब है कि क्या दे रही हो तुम, तसल्ली दे रहे हो किसी को, बल्कि तसल्ली से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ तसल्ला चाहिए, सही, सो दैट्स वाई द बड़ा वर्ड अश्योरेंस। अभी सब देखेंगे किसने किसको देनी है अश्योरेंस, लेकिन अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तसल्ली। ऑडिट से क्या आ जाती है, किसी को तसल्ली हो जाती है थोड़ी, लेकिन थोड़ी तसल्ली होती है उसको, सही,
सो दैट्स वाई पेपर का नाम क्या रखा हुआ, ऑडिट, चेक करना, और क्या करना, अश्योर कर. तो दिस इज द गेम. ठीक है जी. सो ओवरऑल एम ऑफ द सिलेबस में अगर हम पहली लाइन देखें तो कुछ चीजें तुम्हें यहां पर फेमिलर लगनी चाहिए. उसकी वजह यह है, ये तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज का ब्रॉटअप है यहां पर. फेमिलराइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड फंक्शंस ऑफ व्हाट ऑडिट, ये तो देखेंगे यहां आकर. सही है. लेकिन देखो F1 में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था FBT में, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज इट इज यहां पर छपा हुआ. ठीक है, क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्किप करने वाली चीज है. इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट वहां पर देखा था, क्या, प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट को मैं इथिक्स में ले आता हूँ क्योंकि कोड ऑफ इथिक्स के कितने प्रिंसिपल्स हैं, 5, उसमें से एक था प्रोफेशनल बिहेवियर यानी प्रोफेशनल कंडक्ट. तो ये सारा का सारा एरिया हम कह सकते हैं कि कहाँ से ऊपर उठ कर आ रहा है, F1 से. और वही नॉलेज यहाँ दोबारा आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे एक तरीके से. ठीक ठीक है जी. फिर अगर सेकंड पॉइंट पे देखो तो लिखा हुआ है नो अबाउट हाउ द ऑडिटर ऑब्टेन्स एंड एक्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट. थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं. एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट इज अ टास्क. यहाँ एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाई जा रही है ऑब्वियसली. यहाँ एंगेजमेंट का मतलब है कि आप एक क्लाइंट कंपनी से जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. तो देखो लॉ में जैसे डील में तुम क्या कहते हो, कॉन्ट्रैक्ट कहते हो. जैसे ही तुम ऑडिट में आए टर्म क्या हो गए, बात सेम हो रही है, टर्म क्या हो गया, चेंज हो गया, प्रोफेशनल लैंग्वेज अलग हो गई. ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या हो गया, ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट, कब एक्सेप्ट करना है कब एक्सेप्ट नहीं करना है ये भी सीखना है. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लाइंट एक्सेप्ट ना करें. थोड़े से अंदर की बात मैं बताता हूँ. जैसे TSA में कोई स्टूडेंट आए तो मैं नहीं समझता ये हो सकता है कि ये एक्सेप्ट ना करें उसको. बात समझ में आ रही है. ये TSA जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सही है, क्लाइंट बड़ी मुश्किल से आता है भाई. क्लाइंट के लिए क्या कर रहे होते हो आप, मेहनत कर रहे होते हो शरीर, ठीक है, ब्रांडिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करते हो खूब, लोगों को पैसे देते हो झूठ बोलने के हमारे बारे में, इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहते हैं हम, सही है. तो इतनी मेहनत करके क्लाइंट को लेकर आ रहे हो तो फिर क्या, क्लाइंट जब आपसे डील करना चाहता है तो उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी देखी जाती है. यस, जब आप ऑडिट की बात कर रहे होते हैं तो देखना होगा आपको ये चीज, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट एक ऐसा क्लाइंट आपके क्लाइंटेल में जुड़ जाए जो तो डूब रहा हो और आपको भी लेकर क्या हो, डूब जाए. थोड़ी देर के लिए सोचो. देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ तुम इस तरह से कि हमारे जो एक साहब आए थे, इन्होंने कहा था कि मैं तब्दीली लेकर आऊँ, इनकी हम बात करते हैं. तो ये जैसे ही आए तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया बेचारे ने, लेकिन ये काम करने के बाद सीखते हैं मसला ये नहीं. तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि इन्होंने कहा कि भाई सबको टैक्स नेट पे लेकर आए, सही, चाहे छोटी से छोटी शॉपकीपर ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको किस पे लेकर आएंगे, टैक्स पे लेकर आएंगे. तो इसके लिए उन्होंने शेरशाह जहां गाड़ियों का पुराना सामान मिलता है वहां छापे मारना शुरू कर दिए, क्योंकि वहां गाड़ियों का जाहिर है फिर सामान आपको पता है, हेडलाइट्स टेल लाइट्स वगैरह लाखों की होती है, जजाकला. सो वहां पर छापे मारना शुरू कर दिए कि यहाँ ये लोग अगर टैक्स नेट पर आ जाए तो मोटा अमाउंट इनसे जो है वसूल किया जा सकता है. अब जब वहां गए तो सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि वहां तो सिलसिला, अगर तुम भी कभी ऐसी किसी मार्केट में गए हो, ठीक है, जहां इस तरह के गाड़ियों के या बाइक्स के यूज पार्ट मिलते हैं, कोई बुक कीपिंग नहीं हो रही होती वहां पर. किलो के हिसाब से वो इस तरह का सामान जो है वो कहीं से अगर मंगवा रहे, कंटेनर आ रहे हैं तो वो खरीद रहे होते, और उसके बाद उनको जो मुंह में आ गया उसका प्राइस वो उसके हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, उसको बेच रहे होते हैं, और उस पर भी कोई क्या नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती. अब अगर तुम्हारी ऑडिट फर्म है, ठीक है, और तुम ऐसे किसी बिजनेस में ऑडिट करने के लिए चले गए हो जहां डॉक्यूमेंटेशन ही, तो चेक क्या करोगे फिर, सही है ही नहीं कुछ उनके पास. और अगर आप ये करना शुरू करते, देखें ये क्या है, अच्छा ये गाड़ी में ये सेंसर लगता है कितने का आता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाए, तो आप तो बुक कीपिंग शुरू कर देंगे बजाय किसके, ऑडिट करने के. सो दैट्स वाई कौन से क्लाइंट का ऑडिट हमने करना है, कौन से का नहीं करना. अभी तुम किसी अच्छे बैंक चले जाओ तो तुम्हें नजर आएगा कि उन्होंने जो कोई मशीन भी रखी हुई होती है ना टोकन जनरेट करने के लिए, उस पे भी सीरियल नंबर लिख कर लगाया हुआ होता है उन्होंने, सही है. हो सकता है नजर आया हो तुम्हें, एक इक्का दुक्का बैंक में ये चीज होती है जो मशीन टोकन जनरेट करने के लिए रखी होती है, उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं वो व्हाइट कलर की चिट लगी हुई होगी जिसपे क्या लिखा हुआ होगा, उन्होंने सीरियल नंबर लिखा हुआ हो. कभी कोई यूज लैपटॉप या PC वगैरह जो है वो खरीदा हो तुमने, तो वो आ रहे होते हैं कहीं ऑफिस से निकल के, कहीं यूनिवर्सिटी से निकल के, उस पर टैगिंग हुई भी होती है, Lab 1 Lab 2, ठीक है, PC नंबर ये, लैपटॉप नंबर ये चाहिए बेसिकली आपको. अब जब यकीनन जब उन्होंने नंबरिंग की हुई है तो उन्होंने नॉन करंट एसेट रजिस्टर में उस चीज को क्या किया हुआ होगा,
सीरियलाइज किया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, फिर उसके लिए वो डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी होता है वो लेकर चल रहे होंगे। अब कम से कम कुछ है तो आपके पास चेक करने के लिए। सो दैट्स व्हाई किस क्लाइंट का आपने ऑडिट एंगेजमेंट लेना है, किसको आपने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, ये चीजें भी आपने देखनी है। क्योंकि उसका उस क्लाइंट को अपने क्लाइंटेल में जोड़ने का असर आपकी रेपुटेशन पे भी क्या हो सकता है, पड़ सकता है। सो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, किसी का ऑडिट करने जा रहे हो, किसी कंपनी का एंटिटी कहा जा रहा है उसको यहाँ पर, तो उसके एनवायरमेंट को भी हमने जो है अंडरस्टैंड करना है। असेस द रिस्क ऑफ व्हाट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसको पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, वेदर अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटी। सो पास्ट स्टडीज में तुम इतना तो पता चल गया कि सिर्फ फ्रॉड ही एक इस तरह की चीज नहीं है जो इरेगुलरिटी इन अकाउंट्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, क्या होता है, एरर्स भी होते हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं। ठीक है, तो हमने अपनी आई जो है वो हर लिहाज से, इस लिहाज से खुली रखनी है। ठीक है, और क्या लगता है आपको, ऑडिट का प्लान बनाना चाहिए या भाई ऐसे ही जाके छापा मार के हमने शुरू, इधर आ फ्रॉड तो नहीं करता, उधर आ फ्रॉड तो नहीं करता, ये करना शुरू कर दें हम जाके। सो ऑब्वियसली ऑडिट एक बड़ी एक्टिविटी है। ऑडिट एक लीगली, खास तौर पे जब आप एक्सटर्नल ऑडिट की बात करते हैं तो वो लीगली रिक्वायर्ड एक्टिविटी है। तो उसके लिए आपका स्ट्रेटजी बनाना, प्लान भी क्या है, छोटा वर्ड है, उसके लिए क्या बनाना, स्ट्रेटजी बनाना कि ओवरऑल मैनर में किस तरह से करेंगे इस कंपनी का ऑडिट। कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि एक ऑफिस पे आई चंडीगढ़ रोड पे वो खुली हुई हो, कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि छह छह फैक्ट्रीज, आठ आठ गोडाउन उनके, सही है। तो जाहिर है इसके लिए क्या होना जरूरी है, फिर आपके पास एक डेफिनेट प्लान होना, एक स्ट्रेटजी होना जरूरी है। सो वी हैव टू गो फॉर दैट प्लानिंग द ऑडिट अप्रोच। ठीक है, और फिर हमने जो है वो उसका इम्पैक्ट इन सब चीजों का किस पे देखना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ सकता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी ऐसी शॉप में जा रहा हूँ जो कबाड़ में डील कर रहे हैं, उनकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती भी नहीं। लेकिन हाँ, किसी कंट्री में जो है ना वो, उसके लिए भी कंपनी बनाना आपके लिए रिक्वायर्ड, और आपने एक छोटी कंपनी जो है वो क्या कर दी है, रजिस्टर कर दी है, और फिर मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जब उनके पास रिकॉर्ड्स पूरे नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या पड़ने वाला है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जो फिगर्स लिखे हुए वो ज्यादातर खाना पूरी होंगी, वो जेन्युइन फिगर्स, तो क्या क्या चेंज करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी देखना होगा। और फिर ऐसा भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फिर धमकियां दे रहे होते हैं। एक दफा लॉ की क्लास चल रही थी, एक स्टूडेंट, अच्छा खासा पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो आके बैठा बिल्कुल परेशान। तो मैंने उससे पूछा, जब मैंने ब्रेक दी, मैंने कहा यार तुम थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हो, कहने लगा सर मैं जान बचा कर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ, कह रहे सर हम क्लाइंट पर गए हुए थे, वो उनकी पहले ही लड़ाई चल रही थी पार्टनर से, तो हमने थोड़ा सा, हमारे ऑडिट मैनेजर ने उनसे जाके बात की कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी है आप खत्म करें, तो ये यानी मसला है आपके रिकॉर्ड्स में खत्म करें, उन्होंने बंदे बुलवा लिए मारने पीटने के लिए। सही, तो ये चीजें भी होती हैं। मुझे बताओ, देखना पड़ेगा थोड़ा, क्या होना पड़ेगा आपको, फॉरवर्ड विजन के साथ देखना पड़ेगा कि इस क्लाइंट के साथ जुड़ने के क्या क्या रिस्क हैं। कल ये ब्राइब भी ऑफर कर सकते हैं हमें, सही है, कल हो सकता है कोई वीडियो वीडियो बनाकर हमें ब्राइब लेते हुए क्या कर लेंगे, हम तो नहीं लेना चाहते हो, लेकिन हमारी टेबल पर रखकर ऐसा क्रिएट कर दें, क्या कहते हैं उसको, इम्प्रेशन क्रिएट कर दें कि जिससे लोगों को लगे कि हम ब्राइब ले रहे हैं। तो ये तो फिर जाहिर है, मैंने तो आपको बताया था अगर याद हो कि एसीसीए ने वो शर्ट उतार के ग्राउंड में भागने पर ही क्या की थी, मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी उस मेंबर की। सही है, तो अगर ब्राइब लेते हुए आप पकड़े जा रहे हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ठीक है, फिर F1 पर आ जाते हैं थोड़ा सा। चैप्टर 8 F1 में आपने पढ़ा था, चैप्टर 9 आपने पढ़ा था, जिसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में खास तौर पे कंट्रोल्स क्यों होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, और किस तरह से एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के पेबल्स, पेरोल, ठीक है, और रिसीवेबल्स और कैश सिस्टम को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो उस सारी चीजें पढ़ाने का रीजन ही यही था कि याद रखो, जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना तो हमें क्या करना है, बेसिकली जाकर उनका सबसे पहले क्या देखना है, हमने पॉलिसी सिस्टम देखना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिसको आप कहते हो वो हमने देखना है। सही है, सो उस वक्त आपकी ऑडिट की बेस बन रही थी, आज आप उस चीज की थोड़ी सी आगे एडवांस लेवल पे बात करोगे। सो वी हैव टू इवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल टेक्निक्स एंड ऑडिट टेस्ट इंक्लूडिंग व्हाट। अब जैसे एक छोटी सी बात, अभी बीच में तुम्हारा नाम क्या है अभी, रेयान, रेयान ने एक छोटी सी बात की अभी कि मैंने कहा कि भाई अगर हम के इलेक्ट्रिक में जाके ऑडिट कर रहे हैं और ये बिल हमें पकड़ाया गया कि हमारे क्लाइंट का है, तो हमने उनके रिकॉर्ड में उनके क्या कहते हैं, मतलब सिस्टम को एक्सेस करके निकालना। क्योंकि देखो, अगर मैं उसके के इलेक्ट्रिक के बंदे से कह रहा हूँ ना कि आप मुझे इतने क्लाइंट्स के बिल निकाल के मेरी टेबल पर रखें, तो वो तो कहेगा जी सर बिल्कुल अभी रखते हैं बिल। सही है, और वो निकाल के, हो सकता है वो पहले बिल मेरे पास आने से पहले कहाँ जाए, ग्राफिक डिजाइनर के पास, उसके पास, उसके बाद कहाँ पर आए फोटोशॉप होकर।
और तो ग्राफिक डिजाइनर की भी जरूरत नहीं है ना, एआई, सही है। सो वो उसके बाद वहां से होके मेरे पास आ जाए, तो मुझे चाहिए कि मैं उनके स्टाफ पर रिलाई करने के बजाय डायरेक्टली क्या करूं, सिस्टम को उनके एक्सेस करूं। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंट बनने के लिए तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे ग्रिप होनी चाहिए, ऑडिटर बनने के लिए भी क्या होनी चाहिए, आईटी की समझ होनी चाहिए। आगे तो देखेंगे हम ऑडिट के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई क्लास वी हैव टू इवेलुएट दो सिस्टम्स जो कंपनी यूज कर रही है, सही है, कहाँ से सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, किसी अच्छी फर्म से बनवाया है सॉफ्टवेयर इन्होंने या नहीं बनवाया, स्टैंडर्ड की बेसिस पे सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने नहीं बनाया, ये सब चीजें देखनी है। टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट कंट्रोल रिस्क एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, मेकिंग अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन एंड स्कोप एंड सॉरी स्कोप रोल एंड फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑडिट। तो एकदम से चलते 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 इंटरनल कंट्रोल से बात जो है वो कहाँ पर आ गई है, इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट की जो प्रेजेंस है वो हमें पता है, लीगली तो वो रिक्वायर्ड नहीं होता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स जो है वो बाहर ये कहते हैं कि कंपनी को चाहिए कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन की नीड को वो हर साल रिव्यू करते रहे, और अगर उनको लगता है कि नीड है तो फिर चाहिए कि उनको इस पे पैसा लगाएं और अपने पास इंटरनल ऑडिटर रखें। तो जब आएंगे डिटेल में तो देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को असेस करके हमें क्या पता चलता है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी के बारे में, फूड फॉर थॉट क्या पता चलेगा अगर कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर रखा हुआ और वो तगड़ा है और उसकी चलती है, तो हम सिस्टम पर क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार यहाँ मिसहैप्स का जो चांस है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर 4 पे देखो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, आइडेंटिफाई द वर्क एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एंड अदर्स रिक्वायर्ड टू मीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सही भाई, तो आइजा हम पढ़ेंगे इसमें, आइजा शॉर्ट में हम कहते हैं, ठीक है ये नाम पड़ गया है, तो हालांकि आइसा होना चाहिए लेकिन आइजा आइजा इसका नाम जो है वो पड़ गया, ठीक। सो आइजा कौन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आइजा नंबर 230, आइजा नंबर 500, 510, ठीक है। तो इसमें से कुछ जैसे आप आईएएस पढ़ते हो तो इस तरह से यहाँ पर हमें आइजा भी पढ़ने होंगे, और वो क्या कहते हैं, ठीक है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के बारे में, सही है, और वो क्या कहते हैं ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंगेजमेंट के उनको मीट करने के बारे में, कि आपने ऑडिट किस लिए कर रहे हैं, आपने शेयर होल्डर्स वाला स्टैट्यूटरी ऑडिट किया हुआ जो लीगली रिक्वायर्ड होता है कंपनी के लिए, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर कौन कौन से आइजास एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हो कि एक कंपनी आपके पास आई, वो कह रही है कि भाई हमारा ये पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं, हमारे रिसीवेबल के सेक्शन में हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये क्या कर दो, रिव्यू करके दे दो हम, सही। सो रिव्यू इज द छोटा वर्ड, ऑडिट इज अ बड़ा वर्ड, तो अगर आप रिव्यू करने जा रहे हैं तो उसमें कौन से स्टैंडर्ड जो है वो फिर एप्लीकेबल होंगे, तो ये सब थोड़ा सा हमने डिटेल में देखना है, ज्यादा डिटेल तो इंशाल्लाह एडवांस ऑडिट में देखोगे। एंड हमारा ये सिलेबस चाहता है कि वी शुड नो अबाउट हाउ सॉरी नो अबाउट हाउ कंसिडरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कैन इनफॉर्म कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट वर्क एंड आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड द फाइनल रिव्यू एंड रिपोर्ट। देखिए होता क्या है, ये जो सारी बात लिखी हुई इसका मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न का मतलब सभी को पता है। देखो गोइंग कंसर्न अगर कंपनी की होती है ना, लिटरली रियली गोइंग कंसर्न कंपनी की है, तो चांसेस कम होते हैं कि डायरेक्टर्स जो है ना मिस स्टेटमेंट्स करेंगे, लेकिन जहां गोइंग कंसर्न क्या होती है खतरे में आती है ना, तो वहां चांसेस क्या होते हैं इस चीज के, बढ़ जाते हैं कि डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मिस स्टेटमेंट करेंगे, और सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो होते हैं जो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कहलाते हैं, ठीक है, उसकी मिस एडजस्टमेंट्स करेंगे बजाय एडजस्टमेंट्स कर देंगे। जब हम आएंगे डिटेल में देखने के लिए तो इसको कवर करेंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है। बहरहाल तो गोइंग कंसर्न अगर खतरे में है तो डायरेक्टर्स क्यों कंसर्न होते हैं ओवर स्टेट या अंडर स्टेट करने के लिए रिजल्ट, वो बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि अगले आने वाले 12 महीने तक कंपनी क्या रहेगी, गोइंग कंसर्न रहेगी, चाहे लिटरली कंपनी गोइंग कंसर्न ना हो, टू सेव दियर ओन स्किन, क्योंकि एक कंपनी के डायरेक्टर्स से अगर वो कंपनी गर्क हो जाती है तो उन डायरेक्टर्स का प्रोफेशनल कैरियर भी क्या होता है, फिर बर्बाद होता है। मार्केट में सभी को पता होता है कि भाई फला कंपनी में कौन डायरेक्टर है, फला कंपनी में ये जो ऊपर ऊपर लेवल होता है डायरेक्टर लेवल होता है, खासतौर पे कॉम्पिटिटर्स का जो एक आप कह लो बंच है जिसको आप इंडस्ट्री कहते हो, तो उसमें पता ही होता है कि भाई फलानी कंपनी में जो है वो भाई, अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो एक इंश्योरेंस कंपनी के दो तीन लोगों को की लोगों को पता होगा कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनी जो कि हमारा कॉम्पिटिटर है उसके यहाँ कौन सा डायरेक्टर बैठे हुए, तो अब अगर वो कंपनी बंद हो रही है तो डायरेक्टर की साथ में कैरियर के डोर्स भी क्या हो रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स की बातें ना सुननी पड़े, लीगल सिनेरियो ना डेवलप हो जाए उनके खिलाफ, ठीक है, क्रेडिटर्स वगैरह केस ना कर दें, एक कॉन्सेप्ट अगर लॉ से याद हो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन
ना उठ जाए उनके खिलाफ और उनकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी अराइज हो जाए, तो इन सब चीजों से बचने के लिए उनको जो सबसे अच्छी चीज नजर आती है वो क्या नजर आती है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है, ये दिखा के रखो लोग, सही है, कंट्री अभी चल सकता है, आप फिक्र ना करें, एक और प्रोग्राम IMF से लेकर आएंगे, सही, ये दिखा के रखो लोग, ठीक है जी। सो दैट्स वाई ये काफी रिस्की मामला होता है, तो इसको अलग से बाकायदा जो है ना वो ऑडिटर ने सेंस करना होता है कि गोइंग कंसर्न खतरे में है या नहीं है। और फिर जो बात हुई एज एन ऑडिटर हमारे पास कौन से स्किल्स होने चाहिए भाई? टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होने चाहिए। आज के आने वाले दुनिया में हम सबको अच्छी तरह से पता है कि आप टेक्नोलॉजी एफ्लुएंट हैं, आप टेक्नोलॉजी फेमिलर हैं, तो ही आप एम्प्लॉयबल हैं, वरना आप एम्प्लॉयबल नहीं हो। ऐसे लोग जिनसे स्मार्टफोन यूज नहीं होता, वो नॉर्मल डायल पैड वाला फोन यूज करते हैं, सही है, आगे आने वाली दुनिया में उनकी कोई तुम्हें इस तरह की प्रेजेंस नजर आती है प्रोफेशनल फील्ड में? घर में तो जाहिर होंगे वो जब तक प्रेजेंट है, सही है, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड सिनेरियोस में आपको उनकी प्रेजेंस नजर, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, डॉक्टर्स की एप्स बनी हुई है भाई, ठीक है, आगा खान में अगर आप देखो जाके, तो उन्होंने पूरा अपना जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा डॉक्टर्स के साथ ऐप बना के शेयर किया हुआ है, डॉक्टर वहीं से बैठे बैठे ऐप में डोजेज जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट की बढ़ा भी सकते हैं जो ICU में लेटा हुआ है, और क्या करवा सकते हैं वहां से, वो कम भी करवा सकते हैं। तो अब अगर एक बंदे को डायल पैड वाला ही फोन यूज करना आता है, पुराना डॉक्टर है, 35 साल का एक्सपीरियंस वगैरह सब चीजें हैं, लेकिन उसने अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा हुआ, तो उसकी तो दाल नहीं गलेगी फिर ऐसे बड़े हॉस्पिटल में, तो वो एम्प्लॉयबल नहीं होगा। सो दुनिया की जो रेस लगी हुई है उसमें दुनिया के स्टैंडर्ड्स के साथ हमें क्या करना होगा, सर्वाइव करना होगा, हम दुनिया के स्टैंडर्ड्स के बगैर सर्वाइव। सो दैट्स वाई ACCA का काफी रुझान है कि भाई अपने जो आने वाले प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी फेमिलराइजेशन दी जाए। सो क्लास हमारा ऑडिट का जो पेपर है वो ये टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन, इसमें थोड़ी सी लॉ की बातें करेंगे, ठीक है, और जनरल ऑडिट फ्रेमवर्क देखेंगे, जो कि बहुत हद तक आप लोग F1 और अपने लॉ के पेपर में एक सेंस आप लोग जो है वो बिल्ड कर कराते हो, मैं भी थोड़ा सा नॉलेज रिकैप दूंगा इधर। सो उसके बाद फिर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, सही है, ऑडिट का जो मैंने कहा था कैसे नहीं छापा मार देना, हमने क्या बनाना है ऑडिट का प्लान बनाना है, ठीक है, तो वो प्लान किस तरह से बनता है, रिस्क कैसे असेस करते हैं। अब मेरी एक बात सुनना, ऑडिट की जो अप्रोच है, चाहे तुम इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, चाहे तुम क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट की अप्रोच जो है ना वो 2 स्टेप्स पे डिपेंड करती है, और पूरा हमारा पेपर का बड़ा एरिया भी उन 2 ही स्टेप्स पे डिपेंड करता है, दैट इज रिस्क असेसमेंट, ठीक है, एंड डिटेल टेस्टिंग। ये सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, रिस्क असेसमेंट एंड डिटेल। अभी जो मैं ये कह रहा था आपसे कि कहीं पर आपको इंटरनल ऑडिटर भी बैठा हुआ नजर आ रहा है, वो अपने सिस्टम में पॉलिसीज प्रॉपर उनकी बनी हुई है, पॉलिसीज फॉलो भी कर रहे हैं स्टाफ मेंबर्स, तो ऐसे में सिस्टम पे ट्रस्ट बढ़ेगा या कम होगा? अरे सही है, हर चीज का जो है वो जैसे मैं कह रहा था टैगिंग हुई हुई है, आपको प्रोजेक्टर नजर आ रहा है तो उस पर उन्होंने लेबल लगाए हुए, एक पंखा नजर आ रहा है तो उस पर भी क्या हुआ भाई, कोई ना कोई नंबर रखा हुआ है, लिखा हुआ है उन्होंने, लगाया हुआ है, तो ये सब चीजें जब आप देखोगे तो सिस्टम पे ट्रस्ट क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। और फिर वही बात, जो चेक करने के लिए आप गए हो ऑडिट में चीजों को, तो आपको जब पहले से पता है कि यार ये अपने बनाए हुए अच्छी पॉलिसीज खुद ही क्या कर रहे हैं, बड़ी काम की बात है, अच्छी पॉलिसीज, पॉलिसीज का भी अच्छा होना जरूरी है ना, अच्छी पॉलिसीज खुद ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो यहां मिसहैप्स के चांसेस क्या है, कम है, तो मैं डिटेल में चेक ना भी करूं तो इट्स ना, सही है। तो वो जो मैंने कहा था, सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिटेल चेकिंग करते हैं, ठीक। सो दैट्स व्हाई क्लास ऑडिट का पहला स्टेप और दूसरा स्टेप 2 ही स्टेप्स है, और दूसरा स्टेप पहले स्टेप से पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो अगर मैं कहीं चला जाता हूं और मैं रिस्क असेस करता हूं और मुझे नजर आता है कि वो सिस्टम में पॉलिसीज अच्छी नहीं है, जो है उनके लिहाज से काम भी नहीं किया जा रहा, इंटरनल ऑडिटर या तो नहीं है या है तो उसका अपना ACCA कंप्लीट नहीं है, सही है, या बीकॉम वाला उन्होंने जो है वो इंटरनल ऑडिटर अपने पास रखा हुआ है, मुझे ये सब चीजें नजर आ रही हैं, तो मुझे तो यही नजर आ रहा है खाना पूरी चल रही है वहां पर, ऐसे में मुझे सिस्टम पे ट्रस्ट और रिलायंस क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, तो मेरी डिटेल टेस्टिंग ऑटोमेटिकली क्या होगी, मैं बढ़ा दूंगा। अगर मैं किसी और कंपनी में जहां मुझे ट्रस्ट ज्यादा है वहां मैं 1000 में से 400 इनवॉइसेस चेक करता हूँगा, तो यहाँ मैं हर 1000 में से हो सकता है 800 600 इनवॉइसेस चेक कर रहा हूँ डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन को, सही है। सो दैट्स व्हाई
सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, और रिस्क असेसमेंट डिपेंड करती है किस पे क्लास? इंटरनल कंट्रोल पर और ऑडिट एविडेंस पर. इट इज अ टेक्निकल टर्म. जो चीजें हमें पता चलती हैं कंपनी में जाके, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए नहीं, जो हम खुद क्या करते हैं, चीजों का सुराग निकालते हैं, लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभी सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, इसकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन है. सही है, मैं पहली क्लास में तुम्हें डेफिनेशन देना शुरू कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए डाइजेस्ट करना मसला होगा. सो क्लास, जो कुछ चीजें हम पता लगाते हैं जाके, कि दया जाके पता लगाओ, तो जो हम पता लगाते हैं वो क्या होता है? सारा का सारा ऑडिट एविडेंस होता है. और देखो, रिस्क असेसमेंट करते हुए हमने क्या किया? उनके इंटरनल कंट्रोल्स देखे, बहुत सारी चीजें क्या होंगी हमें पता चलेंगी, यानी हमें ऑडिट एविडेंस मिलेगा. और इसी एविडेंस की, इसी कॉन्क्रीट ठोस सबूत की बेसिस पर हम अपनी क्या फॉर्म करेंगे? ओपिनियन या रिपोर्ट फॉर्म करेंगे. सो दैट इज द अनदर थिंग कि हम फिर रिपोर्टिंग करेंगे. अच्छा, अब ये रिपोर्टिंग के पीछे छोटा सा क्या लिखा नजर आ रहा है? रिव्यू. तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको. इसको ऐसे बोला नहीं जाता जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ. ये ऑडिट का भी ऑडिट है. कोई भी तुम काम करो, अगर पूरा करो, जैसे पेपर तुमने कर लिया पूरा, क्या करते हो फिर तुम? तो भाई ऑडिटर भी तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, तो अपना सारा काम एक दफा वो भी क्या कर लेगा कि सारे प्रोटोकॉल, सारे स्टैंडर्ड्स जो फॉलो होने थे, हर ऑडिट टीम के मेंबर को जो जो काम दिया हुआ था, वो सबने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है, नहीं कर लिया? सही है. सो ऑडिट का रिव्यू भी होता है, जो ऑडिटर खुद ही करता है. इसके लिए अगर आप किसी और को बुलवा लेंगे बाहर से, कि एक ऑडिट फर्म ने तो कर लिया ऑडिट, आप कोई और रिव्यू कर ले आगे, तो ये तो क्या होगा? माशाल्लाह, मामला चलता रहेगा और हम कमाते रहेंगे मजे से. सही है. सो रिव्यू करते हैं फिर आप, और रिपोर्टिंग करते हैं. और एक सौतेला भाई इन सारे पार्ट्स का जो है वो हमें अलग खड़ा हुआ बेचारा नजर आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजी स्किल्स. ठीक है जी. सो इसमें हम देखेंगे कैट की एक टर्म हम पढ़ेंगे, CAAT कैट. ये इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. सो उसमें फिर हम सॉफ्टवेयर और वो जो बिग डेटा वगैरह जैसे जैसी चीजें जो आपने पढ़ी थी, डेटा एनालिटिक्स, ADA का एक नाम से हम चीज पढ़ेंगे. सही है. सो ये सब चीज जो है वो फिर उधर जाके देखेंगे, जो कि छोटा सा एरिया हमारे कोर्स का. सबसे बड़ा एरिया अगर मैं अपने कोर्स का की बात करूं ना, तो क्लास बी सी और तुम्हारे जो सिनेरियोज बनते हैं ना, जो पेपर का फॉर्मेट में अभी बताऊंगा, तुम्हारे जो सिनेरियोज बनते हैं वो भी ज्यादा कहाँ से बनते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहीं से बनते हैं, सही है, लेकिन जाहिर है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है. सिनेरियोज यहीं से बनते हैं क्योंकि यही ऑडिट है, तो सिनेरियो इसी चीज का बनेगा. क्या आपने जाके प्लान करना है, आपने जाके रिस्क असेसमेंट करनी है, और क्या करनी है आपने? डिटेल टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको ऑडिट एविडेंस मिले, ताकि आप क्या कर सको, रिपोर्ट फॉर्म कर सको अपनी. ठीक है जी. अब तक के डिस्कशन में किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले. एग्जाम फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है भाई, काश इतने ही सिंपल इसको निकालना भी होता. सो सेशन बेस्ड सीबी हमारा 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे, 2 सेक्शंस में हमारा पेपर डिवाइडेड है. क्लास दोनों सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 3 क्वेश्चंस. सही है. ये तो हो गया कि साहिर लोधी ने किया हुआ मेकअप. ठीक सही है कि कितने क्वेश्चंस हैं? सिर्फ 6 क्वेश्चन, 3 3. अब आते हैं जरा उसके मुंह धो लिया उसने. ठीक है जी. सो क्लास, ये जो पहले सेक्शन ए में आपके पास 3 कंपलसरी OTQs हैं, इसकी बेसिकली कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी? 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी, 2 2 मार्क. तो ये एक बड़ा केस सिनेरियो आएगा. कहने को तो ये OTQ है, ये वो F1 F3 वगैरह वाला नहीं है OTQ, तो एक बड़ा सिनेरियो आएगा. सही है. और उससे कितनी रिक्वायरमेंट्स ड्राइव हुई भी होंगी? 5 रिक्वायरमेंट्स ड्राइव हुई भी होंगी, 2 2 मार्क्स की. इसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग नहीं होती है. क्या मतलब है? ये इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा बताएं ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन कौन सी है इसमें से. ये नहीं होता इसमें. इसमें क्या होता है? पक्का कोई सिनेरियो, केस सिनेरियो होता है कि कंपनी में आप गए हो, यू आर द ऑडिटर. सही. और आपको ये पता चल रहा है. सही. तो इस तरह की जो है ना वो क्वेश्चनिंग होती है, जो आई एम श्योर आप लोग पता नहीं कितने सारे सिनेरियोस अपनी लाइफ में डील करते हुए आ रहे हो. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट. कितने पार्ट है टोटल? 6. 6 में से किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन ACCA की जो ज्यादातर अप्रोच है, ACCA ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन जो अप्रोच हमें नजर आती है पेपर्स में, वो ज्यादातर ये नजर आती है कि मोस्टली आपके जो ये OTQs होते हैं, ये पार्ट AE और F से आ रहे होते हैं. ये सारी चीजें ना थोड़ा सा बस ऐसा होता है कि पेपर के बारे में आप फेमिलर हो, कि हाँ मेरा पेपर किस तरह का बनेगा, कहाँ से आएगा. ये इसलिए, अब तो बड़े हो गए ना माशाल्लाह, हो गए हो ना. सही. तो ये इसलिए नहीं होता कि मैं इसको पढ़ू और इसको छोड़ दू, अब तो आप सोचो ही नहीं इस तरह से. ठीक है जी. सो
इसी तरह से फिर आपके पास तीन कंपलसरी सी आर क्यूज हैं, ठीक है? तो इसमें आपके पास जो है वो पहला जो सी आर क्यू है वो कितने का है, 30 मार्क्स का, और बाकी जो है वो कितने, दो, 20 20 मार्क्स के। अगेन दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया ब्रैकेट में, सेकेंडरली मैंने आपको एक छोटी सी जो है वो यहाँ पर न्यूज दी हुई है कि यहाँ मोस्टली कौन से पार्ट से आ रहा होता है, बी सी और डी, लेकिन कभी ए और ई और एफ से भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन चांसेस मैं आपको बता दूं इसके क्या होते, कम होते। ठीक, सही है। तो हमने तो बाहर दोनों ही पार्ट्स की तैयारी करनी है, और 50 अगर आप आ जाते हैं तो भाई आप ले आते हैं, आप तो भाई हीरो हैं, आप जाहिर है क्लियर क्राइटेरिया आपका ये है। ठीक है भाई, स्टडी मटेरियल की बात करें तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई कैपलान फॉलो कर लो, सही है, और क्या फॉलो कर लो, बल्कि अब तो मैं कहूंगा कि कैपलान के बजाय तुम क्या फॉलो कर लो, स्टडी हब से पढ़ लो। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता जा रहा हूँगा तुम्हें, सही है, तो स्टडी हब से तुम उसको क्या करते जा रहे होगे, रिवाइज करते जा रहे हो। ठीक है, आप लोग मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, मेजोरिटी ऑफ यू। पहले मैं जरा लाइन लाइन जो है वो पढ़ाता था, सही, ये सब करता था, यहाँ ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये सब करने बैठ गए ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे हम, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे पेपर के लिए, सही, लिखना कैसे है ये सबसे ज्यादा चीज जरूरी है। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, उसको ट्रेस किस तरह से करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो अगर मैं आपको यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू कर दूं तो हम वो एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। सो इसमें होगा ये कि मैंने ज्यादातर जो प्लान रखा हुआ होता है ऑडिट पढ़ाने के लिए, वो रखा हुआ होता है कि कॉन्सेप्चुअल चार्ट्स बनाकर ना मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, उसके बाद हम किस पर आ जाते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, सही है, और मैं लिखवाता भी हूँ तो उससे थोड़ा अंदाजा भी हो जाता है कि हाँ भाई कैसे नॉलेज को क्या करना है, हमने प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, तो थोड़ी रीडिंग हैबिट जो है वो आपको यहाँ बढ़ानी होगी टाइम वाइम निकाल के, जो कि जरूरी है। प्रैक्टिस भी कैपलान की किट से कर लो, और इसी से के स्टडी हब का जो वो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो उससे कर लो, ये इनफ है। हाँ, ठीक फालतू में जरूरी नहीं है, क्योंकि कैपलान की किट जो है ना वो ज्यादा अपडेटेड रहती है, और उन्होंने जो है ना वो आप कह लो कि जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं ना वो निकाले हुए होते हैं, पीपीपी ने ज्यादातर खुद बनाए हुए होते हैं क्वेश्चंस, सही है। लेकिन हाँ, सीआरक्यू तो जहां से मिले आपको, सॉरी सीआरक्यू कह रहे हो, ओटीक्यू तो आपको जहां से मिले वहां से आप कर लो। तो अगर आप बीपीपी की भी किट ले लेते हैं, ठीक है, आपके पास इतना टाइम है आप निकाल सकते हो, टाइम इतना सही है, तो आप बीपीपी की भी किट ले लेते हो, और उससे आप जो है ना वो अगर ओटीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं समझता आपके पास टाइम मिलेगा आपको दो करके कि आप दोनों किट के सीआरक्यू और ओटीक्यू दोनों कर सको। सो वो जो है वो कैपलान की किट मैं करवा रहा हूँ तुम लोगों को क्लास में, सही है, तो मेरे ख्याल से वो काफी रहती है, इतना ज्यादा मसला नहीं होगा, बस टाइम पर काम करना होगा तुम लोगों को, रिवाइज करना, टर्म्स को याद रखना, ठीक है, ये सब चीजें जो है ना वो तुम लोगों ने टाइम पर करनी होगी। अच्छा जी, आपकी जो शुभ मुहूर्त है, सही है, तो वो लिख लें यहाँ पर, तो मंडे मंडे होगा ये 2 दिसंबर 2000 ठीक 24, ये आपकी एग्जाम डेट है इंशाल्लाह। नमाज का ब्रेक करते हैं, नमाज के बाद थोड़ी सी और चीजें फिर डिस्कस करते हैं। है। जुनेद अटेंटिव हो, ठीक जुनेद क्लास टाइम जो है ना वो हद से हद भी मैं अगर बढ़ाऊँ ना तो 6:15 कर सकता हूँ मैं, 6:30 यार, फिर तुम्हें पता है अभी मगरिब और पीछे आ जाएगी 6 बजे तक ना, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो हमें क्लास में बीच में ब्रेक ब्रेक करना होगा, तो ये अजीब सा हो जाएगा कि मैं 6:30 बजे क्लास स्टार्ट करूँ, और फिर और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मगरिब के बाद क्लास स्टार्ट करें हम डायरेक्ट करें, अभी भी बातों बातों में जो है वो टाइम काफी ज्यादा हो गया मगरिब का, तो थोड़ा सा तुम कर लो ना आपकी ना मेरी, सही है, 6:15 कर लेते हैं इसको। मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी क्लास होगी वीक में? हर मैंने फिलहाल 3 प्लान किए हैं इंशाल्लाह, हफ्ते हर हफ्ते 3, और बीच में जो है ऐसी कोई बोनस संडे संडे को भी क्लास। डेज क्या क्या होंगे वैसे? नहीं, अब ये भूल जाए आप बस, अब आपने जो है ना सैटरडे होंगे, सैटरडे सैटरडे को नहीं होगी हमारी, फिलहाल जो डेज प्लान किए हैं मैंने वो ट्यूसडे है, फ्राइडे है और संडे है, 2 से 5 संडे को, सुबह नहीं उठाऊंगा संडे को आप, ये अच्छा सही।
ये भी यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। देखो हमारा जो प्लान होता है ना, वो इस तरह का होता है कि एटलीस्ट पेपर से 10 डेज पहले हम कोर्स खत्म करा दें। हाँ बस कोर्स देखे ना, सो नवंबर 2022 ये हमारी जो है वो इंशाल्लाह डेडलाइन। चलो जी जरा नॉलेज रिकैप करते हैं अपनी पुरानी, कुछ डिफरेंट स्टाइल में। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, इनके आंसर्स जो है वो आप लोग कंट्रीब्यूट करो मेरे साथ, आंसर्स दो। सो फटाफट, जब आप ऑडिट की बात करते हैं तो जाहिर है कॉर्पोरेट सेटिंग्स की बात हो रही होती है, क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है। सो कंपनीज में ही जो है ना वो ऑडिट का गेम चल रहा होता है, चाहे आप इंटरनल कर रहे हो या क्या कर रहे हो एक्सटर्नल। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप ऑडिट नहीं करा सकते, नहीं उनकी मर्जी है, लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे तो बेहतरी के लिए वो कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते, ठीक है। सो कंपनी की जरा बातें ज्यादा ही होंगी हमारे इस कोर्स में, तो भाई हु ओन्स द कंपनी, और फटाफट बता दे कौन ओन करता है कंपनी को। पब्लिक कंपनी शेयरहोल्डर सही है, शेयर होल्डर्स बोल दो ना उनको शेयर फिलहाल। सही है, तो ओन कौन करता है, सही कह रहे हो तुम, गलत नहीं कह रहे, लेकिन फिलहाल हम इस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। मैनेज कौन करता है कंपनी को, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो किसकी बात करेंगे, सीनियर मोस्ट लेवल मैनेजर्स की बात करेंगे, एग्जेक्टिव मैनेजर्स की बात करेंगे, जो बार बार जो है वो एक बंदा यहाँ पर बोलना चाह रहा है कौन है, डायरेक्टर्स। और इसी तरह से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज आर देयर, सो लॉ नहीं लेकर आते हैं यहाँ पर, सही होता हमें पता है। तो मेजरली जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो कितनी कैटेगरीज में फॉल करती हैं, दो। एक क्या होती है भाई, पब्लिक लिमिटेड, और दूसरी कौन सी होती है ये क्लास, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो द लिमिटेड वाली अपनी प्राइवेट होती है और दूसरी वाली जो है वो पब्लिक लिमिटेड होती है, ठीक है जी। आर रूल्स सेम फॉर ऑल कंपनीज, ये आप पास्ट डिस्कशन से अच्छी तरह से देख कर आ रहे हो, नहीं। देर आर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर PLC, सो स्ट्रिक्ट ऑडिट रूल्स आपको नजर आएंगे किसके लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है जी। इसी तरह से ओनर्स एंड मैनेजर्स आर लीगली एंड स्ट्रिक्टली सेपरेट इन विच कंपनी, अगेन अ PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो होता है कि ओनर्स और मैनेजर्स जो है वो क्या हो, लीगली सेपरेट हो, ठीक है जी। उसके बाद देखो, आर मैनेजर्स अकाउंटेबल टू ओनर, मैनेजर्स अकाउंटेबल है, उनको जवाबदेह हैं, क्या कहते हो? अरे अच्छा हुआ ये नॉलेज रखी हुई है मैंने यहाँ पर। मैनेजर्स, देखो मैं इस तरह से बताता हूँ इसको, कि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की चाबी या बोरा किसको थमाया हुआ है, डायरेक्टर्स को, सही है। अब अगर शेयर होल्डर्स पूछ रहे हैं ये लॉस क्यों, और डायरेक्टर कह रहे हैं मेरा बाप भी नहीं बताएगा तुम्हें, सही है, तो फिर बता दो इसका आउटकम क्या निकलेगा। सही, ये पाकिस्तान में रह के थोड़ा सा हमारा जो है ना वो ये चीज डिस्टर्ब हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी वाला जो सेंस है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन क्लियरली इसको आपने याद रखना है कि यस, बड़ा वाला यस लिखे हैं यहाँ पर, मैनेजर्स आर जवाबदेह टू ओनर्स, ठीक है जी। ये सारी जो बकवास अभी हम कवर कर रहे हैं, इससे हमें ये अंदाजा होगा कि ऑडिट की नीड क्या है। अभी तक क्या देखा हमने क्लास, अभी तक हमने ये देखा कि जब एक कंपनी खुलती है तो दो अलग पार्टीज हैं, ओनर तो क्या है साइट पर है, खास तौर पे पीएलसी की बात करें तो उसमें एक अलग पार्टी जो है वो पीएलसी को मैनेज करने के लिए ओनर के बिहाफ पे रखी गई है, एंड दैट इज डायरेक्टर्स। सो ओनर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारे पैसे किसके हाथ में रखे हुए हैं, डायरेक्टर्स के हाथ में, एंड डायरेक्टर्स रोजाना की बेसिस पर उन पैसों से खेल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मतलब क्या है, खेल रहे हैं। अब वो पैसों से अगर खेल रहे हैं रोजाना शेयर होल्डर्स के, तो वो जाहिर है फिर रिस्की रिस्की गेम भी खेल सकते हैं, सही है, और वो पैसा क्या हो सकता है, डूब भी सकता है। तो ये जो एक हमें ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है दोनों पार्टीज के दरमियान, अब क्या तुम शेयर होल्डर हो तो तुम डायरेक्टर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो? अगर तुम शेयर होल्डर हो और उससे पहले तुम पाकिस्तानी हो, तो तुम्हें पता है सीनियर पोजीशन पर जो लोग आ जाते हैं, जिनके पास पैसा जिनके सामने होता है, पोजीशन उनके पास होती है, तो वो ट्रस्ट के काबिल नहीं चाहे कितने ही बड़े हाफिज कुरान क्यों ना हो वो, सही है, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ना फरमाते हैं, इंसान का सही परख जब होती है जब उसको पावर और क्या मिलती है, पैसा मिलता है। सो दैट्स व्हाई डायरेक्टर्स भी इसी पोजीशन पर हैं, और ऑब्वियसली वो अपनी रास्ते से क्या हो सकते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं।
सो इसको कहते हैं हम ट्रस्ट डेफिसिट। सो अभी तक हमने देखा कंपनी ओन कौन कर रहा है, शेयर होल्डर मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी जो है वो दो किस्म की है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स किसके लिए है भाई, पीएलसी के लिए, और लीगली जो है ना वो ओनर्स और मैनेजर्स को यानी शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को सेपरेट रखा गया है। कौन सी कंपनी में, पीएलसी में। हु इज एन ऑडिटर एंड वॉट आर द मेन टाइप्स, ऑडिटर कौन है। इन वेरी सिंपल और लेमैन वर्ड्स, ऑडिटर इज अ पर्सन हु इज देयर टू चेक थिंग्स आउट, सही, कि कैसा चल रहा है, सब सही चल रहा है या नहीं, या इसको ऐसे कर लेते हैं जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं अगर आपको ऑडिटर का काम बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ऑडिटर के काम को एक अच्छा तरीका ये भी निकलता है कि तुम लोग ऑलरेडी वेरियंसेस पढ़कर आ रहे होते हो। वेरियंस में क्या करते हैं आप ये देखते हैं क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, यही ऑडिटर ने भी देखना है। बस ऑडिटर ने कॉस्ट के लिहाज से, ओवरहेड्स के लिहाज से नहीं देखना, सिस्टम कैसा चलना चाहिए था और कैसा चल रहा है, इस हवाले से जो है उसने असेसमेंट करनी है, ठीक है जी। सो हु इज एन ऑडिटर, ऑडिटर इज अ पर्सन हु चेक्स थिंग्स आउट। इसको हम कर लेते हैं पार्टी, ठीक है, जो क्या कर रही है, थिंग्स को चेक कर रही है। और कितनी टाइप्स के, ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, कितनी टाइप्स के ऑडिटर आप पढ़कर आ रहे हो अभी तक, तो वो टू ही टाइप्स हैं भाई। एक क्या होता है हमारा एक्सटर्नल और दूसरा क्या होता है बेचारा इंटरनल। Now, what is the auditor's principal duty? कौन बताएगा, ये पुरानी नॉलेज टेस्ट हो रही है यहां पर। प्रिंसिपल, सबसे पहली ड्यूटी ऑडिटर की क्या है, ठीक है, तुम कहते चेक करना, आप क्या कहती हैं, रिव्यू करना, और बताओ, अभी तक सही आंसर नहीं आया तो मैं बता दू, प्रिंसिपल ड्यूटी अच्छी अच्छी बात है तो हम अगेन यहाँ बैठे हुए 9 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन काम की बात देख लेते हैं क्लास। व्हाट इज द ऑडिटर्स प्रिंसिपल ड्यूटी, टू रिपोर्ट ओपिनियन। याद रख लो, एक ऑडिटर जो बन रहा है बंदा, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि उसको अपनी प्रिंसिपल ड्यूटी पता हो, क्या रिपोर्ट करनी है। प्रोफेशनल हो तुम, प्रोफेशनल राय देनी है तुम्हें सिस्टम को चेक करके कि तुम्हारी नजर में सिस्टम सही है या सिस्टम में खामियां हैं, दाल साफ है या दाल में क्या है, या पूरी दाल ही क्या है, वो भी एक चीज है, हो सकती है, उसको देखेंगे, ठीक है जी। तो आइंदा कोई भी पूछे ना कि एज एन ऑडिटर तुम्हारा काम है क्या, तो याद रख लेना है, मेरा नाम बदनाम नहीं कराना है आपने, ठीक है, आपने याद रख लेना है कि ऑडिटर का मेन ड्यूटी क्या है। मैं लॉ में भी बताता हूँ, F1 में भी बताता हूँ, सही है, अभी तक करवा दिया मेरा नाम बदनाम, वो बैठा हुआ हमारे सामने जो मुझसे नहीं पढ़ा उसने, ठीक है जी। सो क्लास, ऑडिटर की प्रिंसिपल ड्यूटी है रिपोर्ट ओपिनियन, ठीक है जी। उसके बाद, इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, इफ नो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो आप में से कौन कहता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पार्टिसिपेट करो यार, आप लोगों ने भी पेपर क्लियर करना है, बड़ा जरूरी है इस पेपर में कि हम जो है ना वो मिलके गेम खेलें, वरना मैं बोलता रहूंगा और आप चुपचाप बैठे रहोगे तो ऐसे मजा नहीं आएगा। और ठीक है, कौन कौन कहते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हाथ खड़े कर ले भाई, ठीक है, और आप कहते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ आप लोगों ने जो है वो मुझे बदनाम होने से बचा लिया, ठीक है जी। यस, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जुनेद तुमने भी मुझसे नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से, खैर याद रखना इस चीज, ये कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पहुंच के शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि वो अरसे से जब वो विशफुल थिंकिंग कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं ऑडिटर कोई चीज होती है भाई, हाँ ऑडिटर तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया हुआ था कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर का ताल्लुक किससे, फ्रॉड से है, सही, तो वो उन्होंने समझा होता है कि ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 मिनट के लिए अगर क्वेश्चन इस तरह का जहन में आते हैं ना, तो इस तरह से सोचना, एक बंदा जो पूरे 12 महीने में 1.5-2 महीने के लिए आ रहा है कंपनी में, उसको हम फ्रॉड डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कहीं से, इट वुड बी एब्सर्ड, अनफेयर फॉर हिम कि हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, हालांकि वो पूरे 12 महीने कंपनी में आ कितने महीने रहा है, हार्डली 2 महीने 3 महीने के लिए चेक तो वही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबल होना, देखो मैं तुम्हारा पेपर क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन हाँ मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, तुम लोगों को ऑडिट की गाइडेंस दे रहा हूँ, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और ये तुम्हारा पेपर क्लियर करने के साथ क्या हुई हुई है, कनेक्ट हुई हुई। तो मैं ये नहीं कह सकता तुम्हारा पेपर क्लियर करना मेरा रोल
बल्कि अगर तुम इंशाल्लाह पेपर क्लियर करते हो तो मैं ही नहीं कह सकता मैंने क्लियर किया पेपर, ये 96 लेकर आ रहा है इंशाल्लाह, सही है। सो मैं कह रहा हूँ मेरे मार्क्स आए 96, तो मैं ये नहीं कह सकता, सही है। लेकिन हाँ उसके 96 अभी आए, एक स्टूडेंट के लॉ में 96 ना, तो उसके 96 आने में ये बता दे साथ में ऐसे, सो उसके 96 आने में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्या है आपका रोल मेरा रोल। सो इसी तरह से आप क्या करने गए हो, मेन काम क्या है आपका, ओपिनियन रिपोर्ट करनी है। हाँ जब आप चीजों को देखोगे तो इट इज पॉसिबल कि आपके सामने कोई चीजें जो ढकी होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे फ्रॉड, वो आपके सामने क्या हो, आउट इन द ओपन आ जाए, तो फिर आपने उसको छुपा नहीं रहने दिया, ये है बस आपका सिलसिला। फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं जा रहे, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, इफ नो देन हु, कौन है रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर्स, उनके हाथ में थमाई हुई इन्वेस्टमेंट की चाबी शेयर होल्डर्स ने, उनको ताज पहनाए हुए शेयर होल्डर्स ने मैनेज करने का चीजों को, सो ऑल टुगेदर एवरीथिंग उन्होंने ही ऐसे कंट्रोल्स लगाने हैं जिससे फ्रॉड और एरर की पॉसिबिलिटी यानी उसके रिस्क को क्या किया जा सके, डाउन किया जा सके, ठीक है। व्हाट अबाउट इंटरनल ऑडिटर, किसी भी किस्म के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड रोकना या पकड़ना नहीं होती, सही है। डायरेक्टर्स, जब मैं कह रहा हूं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर्स की, तो यहां क्या आएगा बड़ा सारा भाई, नो, और फिर इफ नो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा क्या, डायरेक्टर्स, हर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने डिपार्टमेंट की जो है ना वो करेक्ट फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा जी, उसके बाद फिर देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हु इज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या दोगे आंसर इसका, कौन है एक्सटर्नल ऑडिटर, जबरदस्त, तालियां बजवाता मैं तुम्हारे लिए अगर ज्यादा लोग होते तो, सही, अभी सब फील करेंगे इसके लिए तालियां बजेंगे। सो याद रखो हु इज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, नाम से पता चल रहा है ना, यहीं से निकाले आप इसको, ये क्या है क्लास, एक थर्ड पार्टी, और जब आप इसको थर्ड पार्टी बोलते हैं तो भाई फर्स्ट और सेकंड पार्टी कौन है, फर्स्ट पार्टी तो शेयर होल्डर है और सेकंड पार्टी कौन है, डायरेक्टर्स है, सो ये क्या है फिर, ऑडिटर कौन है, थर्ड पार्टी, और फिर वो भी पुरानी बातें जहन में आनी चाहिए तुम्हारे लिए, इसके लिए न्यूट्रल होना क्या है, बाजवे की इतना न्यूट्रल नहीं, रियली न्यूट्रल होना इसके लिए जरूरी, ठीक है जी। सो इसलिए हम साथ में एक और वर्ड यहां लगा देते हैं, और वो क्या, सही, तो हु इज एन ऑडिटर, अ थर्ड पार्टी बट एन इम्पार्शियल और न्यूट्रल वन, ठीक है जी। इसका आंसर कौन देगा भाई, व्हेन हाउ एंड हु अपॉइंट्स एक्सटर्नल ऑडिटर, सही, एजीएम तो हु का तो आंसर मिल गया मुझे, कौन अपॉइंट करता है, शेयर और किसी ने भी यहाँ पर एजीएम बोला भाई, ठीक है बोर्डिंग सही, तो व्हेन का भी आंसर हो गया, सही है, और हाउ वो साउंड इफेक्ट भी आ गया, सही है, हाउ थ्रू वोटिंग, सो व्हेन का आंसर मैं देता हूं क्या, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, थोड़ा सा यहां रुककर देखेंगे कि ये काम कैसे होता है। अगर मुझे कंपनी में, ठीक है, मैं शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी का, मुझे 2025 में ऑडिटर अपॉइंट करना है, 2025 का, तो मैं 2024 की एजीएम में 2025 का ऑडिटर अपॉइंट करूँ, प्रीसीडिंग ईयर की जो एजीएम होती है उसमें प्रोसीडिंग ईयर का ऑडिटर यूजुअली इट हैपेंस के अपॉइंट किया जाता है, सही है, ठीक है। इसके अलावा फिर बाद में डिटेल जब रेगुलेशन पढ़ेंगे अपने पेपर में तो उसमें फिर वो F4 की कुछ बातें जो है वो रिव्यू करेंगे। खैर, सो एजीएम में आप अपॉइंट करते हो, हाउ, वोटिंग के जरिए, इलेक्शन के जरिए भाई, डेमोक्रेटिकली, कैसे भी बोल सकते हैं आप इसको, और हु अपॉइंट्स भाई, शेयर तो आप ऊपर से डॉट कनेक्ट करो कि शेयर होल्डर की कंपनी है, वही कंपनी के कर्ता धर्ता को भी क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स को, और वही कंपनी पे नजर रखने के लिए जिसको बुला रहे हैं, कंपनी के छोटे से एरिया को नजर रखने के लिए जिसको बुला रहे हैं उसको भी वही अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से एक और बात मैं बता दूं आपको, ऑडिटर जब अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है, जो कि अभी हमने देखा था ऑडिटर क्या बनाता है, एविडेंस गैदर करके फिर वो एक रिपोर्ट फॉर्म करता है, तो वो रिपोर्ट टारगेटेड किस तरफ होती है, किसको एड्रेस्ड होती है, शेयर होल्डर्स, जिसने उसको अपॉइंट किया है, बेशक उस रिपोर्ट से फायदा बहुत सारी पार्टीज उठाती हैं, तुम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो अर्लियर स्टडीज में, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे यूजर्स, चाहे कंपनी के अपने मैनेजर्स हों, चाहे कंपनी के इवन क्रेडिटर्स हों, चाहे बैंक हो कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनीज हो, और कोई लेंडर हो जिससे कंपनी लोन मांगने जा रही हो, ब्रोकर्स हो, सारे के सारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, सारे के सारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फायदा उठाते हैं, लेकिन प्रिंसिपली
एक्सटर्नल ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन में जिसको कॉल किया होता है डियर मेंबर्स ऑफ द कंपनी या शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वो उसकी मर्जी है डियर लगाए या निकाले, सही है, लेकिन क्या लिखना होता है मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। क्यों करें भी एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट, क्या बात है, सही है। सबसे पहले तो इसलिए करें कि आपके लिए भी तालियां, क्या है भाई एक्सटर्नल ऑडिटर लीगली रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई, पहली तो बात ही यहां पर खत्म हो गई ना कि लीगली रिक्वायर्ड इसलिए अपॉइंट करेंगे, और इसी वजह से क्लास एक्सटर्नल ऑडिट का जो दूसरा नाम पड़ गया ना वो क्या पड़ गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो कहीं भी अगर आप लिखा देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल ऑडिट की बात हो रही है। अच्छा अब आगे बात को लेके चलें तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्यों अपॉइंट होता है, लीगली रिक्वायर्ड है, और क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, कोई और वजह इसकी अपॉइंट करने के लिए? अब ये कोई नहीं बोलेगा फ्रॉड पकड़ने के लिए, ये तो भूल जाए, जहन के किसी कॉर्नर में भी नहीं होना चाहिए अभी आपके, क्या बात है। सॉरी आप कुछ कह रही, यही कह रही, ठीक है, तालियां बजवाता रहूंगा तुम्हारे लिए, सही है। सो जो दूसरी बात है वो क्या है क्लास, शेयर होल्डर की तसल्ली के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो उसको, अश्योरेंस के लिए अपॉइंट कर रहे हो, और ये अश्योरेंस डायरेक्टेड है टूवर्ड्स हुम, शेयर होल्डर्स, अपॉन व्हाट, अपॉन कंपनी, कंपनी के मैटर पर शेयर होल्डर को तसल्ली चाहिए कि वो सेफ हैंड्स में है या नहीं है, और जाहिर है सबसे पहले ये चेक करने के लिए आप क्या देखोगे, फाइनेंशियल्स देखोगे, और फाइनेंशियल्स को जब आप क्रॉस चेक करवा लोगे तो थोड़ा शेयर होल्डर्स को क्या हो जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा, क्योंकि याद रखें सबसे पहली चीज जो किसी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को चाहिए चलने के लिए, एस्टेब्लिश होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो क्या है, फाइनेंस। सो दैट्स व्हाई सबसे पहले किसी कंपनी की गोइंग कंसर्न, किसी कंपनी के बारे में अश्योरेंस चाहिए होती है, तो वो किस पे ली जाती है, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे ली जाती है। इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर भी आके क्या देखता है, किसी डिपार्टमेंट को नहीं देखता, पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी नहीं देखता, ये भी अभी मैं कंफ्यूजन अगले क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी नहीं देखता, बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद एक छोटी सी एक्टिविटी दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस सेक्शन को आके जो है ना वो ऑडिट करता है। उसके बाद फिर व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने बातों बातों में बता ही दिया तुम्हें। देखो एक टिपिकल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना, FBT से लेकर आ रहा हूँ इस नॉलेज को, एक टिपिकल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, तीन, ट्रेजरी सेक्शन, ठीक है, पैसे बढ़ाने कैसे हैं कंपनी में वो वाला सेक्शन, सही है, और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन, ये ओवरहेड वगैरह और ये वेरियंस वगैरह और बजट वगैरह का काम करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन, सही है, और तीसरा सेक्शन कौन सा, इसका होता है, ये स्कोप है एक्सटर्नल ऑडिटर का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन का ऑडिट करता है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से होता है ये काम, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि इसको इस तरह से लिख लो अपने पास, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, द स्कोप इज सिंपली फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा। इस पर अभी फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक जब अभी हम देखेंगे, ठीक है जी, यहां तक मुझे बताएं किसी को कोई क्वेश्चन। Can an employee of a company perform external audit? सही, तो external का word ही नहीं रहेगा फिर, उसका उसका essence, उसकी soul ही खत्म हो जाएगी अगर आप employee से audit करवा रहे हो, क्योंकि employee जो audit करता है उसको तो बोला ही क्या जाता है, internal audit बोला जाता है, no doubt आप internal audit को भी outsource कर सकते हो, लेकिन employee से अगर आप audit कर रहे करवा रहे हो तो उसको आप external नहीं बोल सकते, तो बड़ा वाला क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम, no लिख देते हैं, नहीं external होना जरूरी है उसके लिए। Is every registered company need to perform external audit? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? No. कोई और यस आंसर देना चाहेगा इसमें? नहीं।
क्यों ऐसा क्यों भाई? कुछ स्मॉल कंपनीज ग्रीन कर रहे हैं। सो तुम लोग अपने लॉ के पेपर में देखकर आए हो कि कुछ छोटी कंपनीज, माइक्रो एंटिटीज या स्मॉल रिजीम कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको ऑडिट से क्या मिल सकती है, एग्जम्पशन मिल सकती है? क्या वो प्राइवेट होती हैं या पब्लिक होती हैं? नहीं, ये मासूमियत से जो आपने बोला है पब्लिक, तो इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें आप। पब्लिक इस तरह से याद रख लेना इसको, पब्लिक कंपनी के लिए फ्रॉड ना करवाना सोचना भी पाप है। ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी प्राइवेट कंपनीज के लिए अवेलेबल है। सो इज एवरी रजिस्टर्ड कंपनी नीड टू परफॉर्म एक्सटर्नल ऑडिट? यस फॉर पीएलसी, बट नो फॉर प्राइवेट कर लेते हैं इसको, ठीक, एलटीडी के बजाय। क्या मैंने ये लिखा है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को ऑडिट नहीं करवाना? नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया है जो आप लॉ में पढ़ते हो, यहां पर वो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन यहां पर जो रेलेवेंट बात हमारे लिए है वो इतनी है। कितनी है भाई? कितनी बात यहां पर रेलेवेंट है हमारे लिए कि पीएलसी के लिए तो जरूरी है। अच्छा जी, कैन ओनर्स ऑफ अ कंपनी रिलाय ऑन द ओपिनियन ऑफ इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर से भाई, मैं ये कंपनी ने एक्सटर्नल ऑडिटर को नहीं बुलाया, मैंने कहा फालतू में खर्चा ज्यादा होगा, किसको रखा हुआ हमने? टॉमी को, सॉरी, ये क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिटर को रखा हुआ हमने, सही है। सो हम इसी से क्या करवा लेते हैं, ऑडिट करवा लेते हैं, पैसे बच जाएंगे हमारे। तो क्या शेयर होल्डर इससे मतलब रिलाई कर सकते हैं उसकी इंटरनल की ओपिनियन पर? क्यों? वो उनके इन्फ्लुएंस होता है काफी सारी चीजों जबरदस्त इन्फ्लुएंस होता है किसका। किसका? ठीक है, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में, सही है। लेकिन इसकी मैं करता हूँ अभी बात, लेकिन द एक्चुअल क्वेश्चन वॉज के रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आंसर इज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। इसको ना प्रोफेशनल लैंग्वेज में, अपनी ऑडिटर की लैंग्वेज में कहने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है इंटरनल ऑडिटर की, जो अपने एफबीटी के एथिक्स के चैप्टर में तुम पढ़कर आते हो, इंडिपेंडेंस, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलने वाली आजादी है राय। इंटरनल वाले की क्या हुई भी होती है कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो डायरेक्टर के अंडर होता है और डायरेक्टर जैसी उसको ओपिनियन बोलेगा वो वैसी ओपिनियन प्रेजेंट करेगा, ठीक है नहीं? सो दैट्स व्हाई कैन ओनर्स ऑफ अ कंपनी रिलाय ऑन द ओपिनियन ऑफ इंटरनल ऑडिटर? नो, ठीक है जी। यहां पर तुमने एक क्वेश्चन किया भी कि फिर करवाए क्यों? देखें, ये इंटरनल वॉच डॉग के तौर पे काम कर रहा था, इसलिए मेरे मुंह से अभी टॉमी निकला था। किसकी बात कर रहे थे हम? इंटरनल ऑडिटर की। मैं हमेशा इसी तरह से पढ़ाता हूँ इंटरनल ऑडिट को, मेरे जो आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इसका हरगिज भी। देखो, ये मैं समझाने के लिए पढ़ाता हूँ, अगर आपको कोई इंटरनल ऑडिट की जॉब मिल रही हो तो आप मेरी बातें याद नहीं कर, सही है? कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी देर भूल जाएंगे, सही है, यही कह सकता हूँ मैं। लेकिन आपकी इज्जत में इससे कोई कमी नहीं आएगी, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बताता हूँ। लेकिन चलेंगे, यहाँ तक छोड़ देता हूँ, मेरे ख्याल से आप कर रही हैं इंटरनल, ठीक है जी। सर मैं तो कर रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं, करते रहो, मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन ये समझाने के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई ये चल चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, घर की मुर्गी कर लेते हैं इसको। कुत्ते में थोड़ा सा क्या लगता है, हमें परेशानी होती है तो हम क्या कर लेते हैं इसको, घर की मुर्गी या मुर्गा दाल बराबर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। मसला क्या है? मसला ये है कि इन्फ्लुएंस्ड होती है इसकी ओपिनियन, इसलिए बाहर वाली पार्टी से रिलाई नहीं करती। अब अगर हम रखें ही नहीं तो याद रखो, देखो, अगर तुमने अपने बिल्डिंग में या घर के बाहर एक गार्ड रखा है आजकल के हालात में, उसको गन नहीं दी, कितने सारे ऐसे गार्ड तुम्हें गली मोहल्लों में नजर आ रहे होंगे जिनके पास गन वन नहीं है, क्या है वो नहीं रखे उससे बेहतर? तो क्योंकि जो आते हैं ये सारे काम करने के लिए उनके पास जो है वो, सही है, तो वो तो अच्छे अच्छे से गनमैन को भी जो है वो अगर लगा दें वो, तो उसकी ठंडक से वो वहीं क्या हो जाता है बेचारा, समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई अगर हम इनको नहीं रखेंगे ना, इन गार्ड्स को, जिनका होने का कोई बजाय फायदा हमें नजर, तो इससे ज्यादा चोरियां होंगी जितनी ज्यादा होती, काम और क्या हो जाएगा, बिगड़। क्या लगता है तुम्हें, हमारी पुलिस का कोई फायदा है? वो अभी थोड़ी देर से पहले क्या कहते हैं फेसबुक पे वो लगा रहे थे, जो कराची में सुकून है इसके पीछे सिंध पुलिस का खून है। सार्केस्टिकली तो बिल्कुल सही बात है, जो सुकून है, जिस सुकून में हम रह रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, सही है, वो सुकून के पीछे तो इन्हीं का खून है।
लेकिन सिलसिला ये है कि रियलिटी अगर हम देखें कि इस पुलिस को बिल्कुल क्या करते हैं, हम बाहर निकाल दें तो जितना सुकून बहुत है वो भी क्या हो जाना इफेक्ट चला जाना। सो इस लिहाज से आप इसको ऐसे समझो कि हमने रखा बहुत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल के तहत। अच्छा जी, मैं हरगिज भी नहीं कह रहा कि जहां भी इंटरनल ऑडिटर होगा वो खुद फ्रॉड कर रहा होगा या वो मिला हुआ होगा, नहीं। प्रोफेशनल एटिकेट्स की रिस्पेक्ट करने वाले भी इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, सख्त शदीद इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, सही है। वो नहीं करने देते कंपनी में, जब वो ऑडिट करते हैं तो कोई गलत काम नहीं करने देते, बताते हैं सीनियर्स को कि उस डिपार्टमेंट में ये इशू हो रहा है, वो इशू हो रहा है। लेकिन आप बाहर वाली पार्टीज ना उस अंदर के बंदे पे रिलाई नहीं कर सकती, जितना बेहतर किसकी ओपिनियन पे कर सकती है, थर्ड एक्सटर्नल पार्टी के ओपिनियन पे कर सकती है। अच्छा जी, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, डज ऑडिटर चेक ईच एंड एवरीथिंग, यानी 100% इन द कंपनी वो चेकिंग करता है? तो याद रखो अगेन, जैसे वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी कि 12 महीने की मैनेजमेंट को अगर तुम जो है वो भी छोटे से एरिया को तुम 1 महीने या 2 महीने में चेक करवा रहे हो, तो उस बंदे को तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। और दूसरी लॉजिकल रीजन उसका यही है कि 12 महीने की मिलियंस की तादाद में ट्रांजेक्शंस की इनवॉइसेस और उनका उसका रिकॉर्ड 2 1 महीने 1.5 महीने में चेक करना क्या है? इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है। सो दैट्स व्हाई कोई भी ऑडिटर 100% चेकिंग एक्टिविटी नहीं करता। तो फिर क्या होता है? सैंपलिंग जबरदस्त, तो फिर सैंपलिंग यूज की जाती है। सैंपलिंग इज बेसिकली आप कह दो कि इट इज अ अप्रोच और अ मेथड और प्रोसेस जिसमें आप एक पूरी पॉपुलेशन में से क्या ले लेते हो, सैंपल, सर्टन सैंपल ले लेते हो चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर TSA का ऑडिट हो रहा है और यकीनन उसमें ये नॉन कैसे करंट एसेट रजिस्टर में क्या लिखी हुई होंगी, टेढ़ी हुई वो कुर्सियां रखी हुई होंगी वहां पर, तो उन्होंने अब अगर लिखा हुआ है कि भाई F1 रूम में हमारी जो है ना एक खास नंबर 50 कुर्सियां रखी हुई है, F4 रूम में जो है वो 30 कुर्सियां रखी हुई है, इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे रूम में TC है, फिर वो NR कैंपस कहलाता है, ये है अपना CA वाला कैंपस है, पता नहीं कितने सारे रूम्स हैं हमारे पास और कितनी सारी चेयर्स हैं। तो मैं अगर ऑडिट करने आ रहा हूँ या तुम ऑडिट करने आ रहे हैं, तो हमने हर रूम में जाके जो है ना वो किसी नर्सरी के बच्चे की तरह 1 2 3 से लेकर जो है वो 50 तक काउंट नहीं करना, बल्कि हमने जो है ना वो ऐसे कर लेना है लेफ्ट से कि भाई हम हर हर फ्लोर पर जो है वो 2 रूम्स देख लें, इस तरीके से हम जो है वो काउंट कर लें, ठीक है। और उस पे भी अगर हमें नजर आ रहा है कि हमने CA कैंपस चेक कर लिया, उसमें चेयर्स जो है वो पूरी हैं रूम में, और अपना ACC कैंपस चेक कर लिया, तो उससे अगर चेयर्स पूरी हमें नजर आ रही है तो हमारा एक रीजनेबल इंप्रेशन बन जाएगा, हमें खुद को एक छोटी सी अश्योरेंस मिल जाएगी कि NR कैंपस में भी क्या होगा, मामला सही होगा। तो इस तरह से चलता है फिर जो भी ऑडिटर होता है वो। तो डज द ऑडिटर चेक ईच एंड एवरीथिंग 100% इन द कंपनी, इसका भी आंसर क्या है क्लास? नो। इनमें से कुछ इस तरह की बातें जो आपके, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रीवियस नॉलेज का ब्रॉट अप है, इसको अभी हम देखेंगे, इसको एक्सपेक्टेशन गैप में काउंट किया जाता है। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या नाम होगा उसका? एक्सपेक्टेशन गैप, सही है। अब फॉर एग्जांपल, तुम अगर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम यहाँ आने से पहले मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सर उजैर जो है ना वो कैप्लान की किट भी फुल करवा देंगे और BBB की भी किट फुल करवा देंगे, और हमें क्या करेंगे वो लाइन लाइन पढ़ के जो है उसको एक्सप्लेन भी करेंगे सर उजैर, तो रियलिटी तो ऐसी नहीं है भाई, सही है। हाँ, अगर 9 महीने हो हमारे पास, 12 महीने हो कोर्स पढ़ने के लिए, तो मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास तो मैं ये काम नहीं कर। अब जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्या है? ये, और हो क्या रहा है? ये, सही है। तो एक्सपेक्ट तुम ज्यादा कर रहे हो क्या रहा है? कम। या एक्सपेक्ट तुम कम कर रहे हो क्या रहा है? इसको क्या कहते हैं, इस गैप को क्या कहते हैं, डिफरेंस को, एक्सपेक्टेशन गैप। तो अगर कोई मार्केट में, ठीक है, एक बेचारा लेमैन जिसने ज्यादा ऑडिट की, जिसको समझ नहीं है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑडिटर फ्रॉड पकड़ता है, एक्सपेक्टेशन गैप, ये पता नहीं कितने सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है, ऑडिटर फ्रॉड नहीं पकड़ता, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि वो पकड़ने के लिए आता है फ्रॉड। इसी तरह से अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि 100% चीजों को चेक किया जाता है ऑडिटर की तरफ से, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेक्टेशन गैप, 100% नहीं चेक किया जाता चीजों को, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे ऑडिट पढ़ने से पहले हमें जो है वो पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली टर्म जो है वो लिखी हुई है क्लास कौन सी? इंडिपेंडेंस। बता दें, बात भी हुई है अभी अभी इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ी सी, क्या है ये 14 अगस्त, क्या मतलब है इसका इंडिपेंडेंट? रिपोर्ट में किसी के इन्फ्लुएंस दबाव में ना आए, बाइस्ड ओपिनियन
नहीं होनी चाहिए। सच्चा खरा बंदा हो, सही को सही बोलने वाला, गलत को गलत बोलने वाला। देखो भाई इतना मैं कहता हूं, ये मैं आप लोगों के लिए मतलब इसको इस तरह से समझो कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए मैं ये बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि इतना सब पढ़ रहे हो तुम, हमारे वालदेन इतना पैसा जो है वो लगा रहे हैं पढ़ाई पे, सही है, तो अगर हम उसके बाद जो है ना वो अच्छे प्रोफेशनल ना साबित हो, कि हमसे कोई हमारी प्रोफेशनल ओपिनियन पूछ रहा है, जैसे कि तुम मुझसे पूछ रहे हो सर बताएं बीपीपी की स्टडी टैक्स सही रहेगी, एसएससी का स्टडी अब सही रहेगा, या कैपलैन की स्टडी टैक्स सही रहेगी, अब कैपलैन से मुझे मिलता है क्या कमीशन? लिटरली मुझे लगता है कि बीपीपी की सही रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें क्या गाइडेंस दे रहा हूँ कैपलैन, तो इसका मतलब तो मैं तो पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं हुआ, सही है, मैं तो मेरे अंदर और ये क्या तारा सितारा के अंदर तो कोई फर्क ही नहीं है फिर। तारा सितारा पता है आपको कौन है? ठीक है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ठीक है, सो दैट्स वाई क्लास इंडिपेंडेंस जो है ना वो होना जरूरी है राय में, और इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपने क्या होना है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, आपने अनबायस्ड बात करनी है, या आप कैसे कह रहे हैं इसको कि आपने अन ड्यू इन्फ्लुएंस से परहेज करना है। उसके बाद फिर नीचे एक और टर्म आ रही है, ठीक है, ये ऑडिटर के लिए ना इसको इस तरह से कह लो कि ये जो दो चीजें हम पढ़ रहे हैं खासतौर पर इंडिपेंडेंस और दूसरा स्केप्टिसिज्म, ये ऑडिटर के लिए शदीद जरूरी चीजें हैं। सो स्केप्टिसिज्म भी आपको पहले पढ़ाई जाती है तो कोई मतलब बता दो मुझे इसका जरा, क्या बात है, जबरदस्त, सही है, तुम्हारे लिए ताली। सो हर चीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट, यही तो सारा गेम है ऑडिट का। हम अगर कंपनी में गए हैं और हमारे सामने एक्सटर्नल ऑडिटर करने के लिए गए हैं और हमारे सामने उन्होंने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट रख दी है, और हम कह रहे हैं वाह ये तो बैलेंस हो रही है, हमारी तो F7 में हुई भी नहीं थी, मेरी नहीं हुई थी F7 में बैलेंस, इतनी मेहनत करके एंड में वो बैलेंस नहीं हो रही थी। खैर सो अब अगर आप ये कह रहे हैं यार ये तो जबरदस्त बैलेंस हो रही है, तो ठीक है आपने सही किया होगा, बस यहीं पर ऑडिट हो गया आपका एक ही दिन में, नहीं ये करने तो नहीं गए हम। सो क्लास स्केप्टिसिज्म या स्केप्टिक, बीइंग स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल रहना। अच्छा अब इसका मतलब मैं पहले इस तरह से भी हम देख लेते हैं, इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि डाउटफुल का आप शक करना शुरू कर दें सब पर जाके, सबको आप जो है उनका जीना हराम कर दिया कंपनी में, वो कह रहे हैं कि ये क्या मुसीबत हमारे पीछे आ गई है, आप थोड़ी देर बैठते हैं रिसेप्शनिस्ट के साथ के फोन कैसे अटेंड कर रही है वो, सही है, तो कोई भी अगर एंट्री पास करे तो उसके सर पर आके आप खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं करो तुम काम करो मैं जरा देख रहे हैं, सही है, तो इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि किसी थानेदार की तरह या पुलिस वाले की तरह कि किसी के जो है वो मर्डर हो गया तो उसके घर वालों पर ही शक करना शुरू कर दिया जाए कि आपने दरवाजा देर से क्यों तोड़ा, समझ रहे हो बात? सो ऐसे नहीं करना हमने, बल्कि हमने ये बस इतना याद रखना है, क्या बात है, री वेरीफाई थे, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, बस वेरीफाई कर देते हैं, री हटा दे इसमें, ठीक है। सो क्लास हमने क्या करना है, जैसे हमारे एक जवान ने कहा कि हमने क्या कर लेना है, वेरीफाई कर देना है चीज, कि हमें अगर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है तो सेकंड सोर्स से उसको क्या करें हम वेरीफाई जैसे अभी ये जो बिल मैंने आपको दिया था तो इसमें जो एक कंट्रोल हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सॉरी एक प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर वो ये था कि इलेक्ट्रिक की वेबसाइट से कंज्यूमर नंबर डाल के एक फ्रेश कॉपी निकाल लें वहां से और दोनों को मिला के क्या कर लें हम चेक कर लें। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट स्केप्टिसिज्म। इस लिहाज से मैं यहां पर एक और बात बताता हूं स्टूडेंट्स को अपने, कि ये स्केप्टिसिज्म ही है जो ऑडिटर की अप्रोच ओवरऑल जो ऑडिट की होती है वो डिफाइन करता है, ये प्रोसेस डिफाइन करता है, इसको ऐसे बोल। देखिए भाई पूरे साल कंपनी के अकाउंटेंट्स फॉरवर्ड अकाउंटिंग कर रहे होते, सो व्हाट इज फॉरवर्ड अकाउंटिंग, एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शंस एंड गेटिंग द डेटा आउट ऑफ द दो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग इन टू द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, देन पोस्टिंग इट ऑन टू द लेजर्स द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो वी ऑडिटर्स इफ वी हैव टू बी ए स्केप्टिक, सो वी वुड डू समथिंग लाइक दिस, कि हमारे सामने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी जाएंगी तो ये तो वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, उसके लिए सेकेंड सोर्स क्या है,
वो जो बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं उसको कहां से टेस्टिफाई या वेरीफाई कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस। सो पूरे साल अकाउंटेंट्स कैसे चल रहे थे फॉरवर्ड और हम कैसे जा रहे हैं बैकवर्ड जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस पे जो बैलेंस लिखे हैं यानी इट्स लाइक दिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मेरी सेकंड सोर्स क्या हो गई? ट्रायल बैलेंस। अब मैं आया ट्रायल बैलेंस पर, अब ये भी मसला, इसके लिए भी इस नहीं आएंगे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे थोड़ी। सो इसके लिए जो है वो फिर मुझे सेकंड सोर्स की तरफ जाना है, दैट इज लेजर, जनरल लेजर, उसके बैलेंसेस देखने। फिर उसके लिए सेकंड सोर्स क्या होगी? बुक ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। उसके लिए सेकंड सोर्स क्या होगी? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या करें, खत्म कर दें यहां तक? सोर्स डॉक्यूमेंट भी तो फोटोशॉप हो सकता है। उसके लिए कंफर्मेशन जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि थर्ड पार्टी से भी क्या ले सकते हैं हम, कि सप्लायर को कह दिया कि भाई इस कंपनी की तरफ से सप्लायर को ईमेल कर दी कि एक स्टेटमेंट फ्रेश आप अगर हमें भिजवा सकें तो भिजवा दें, तो उसकी तरफ से एक फ्रेश स्टेटमेंट आ गई, ये कंफर्मेशन आ गई उसकी तरफ से, वो आप कंपेयर कर लोगे फिर उसको, ठीक है जी। सो इस तरह से हम अपनी जो स्केप्टिसिज्म होता है उसको हम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सो स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हो गया क्लास? डोंट ट्रस्ट बट वॉट वेरीफाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, F1 पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, बार 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 ये वर्ड आता जाता है, मटेरियल मटेरियल, और ये एक और वर्ड के साथ आता जाता है, दैट इज मिस स्टेटमेंट। सही है, तो उसको तो देखना है, वो तो जाहिर ऑडिट की एक टर्म है, ये भी ऑडिट की टर्म है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, तो मुझे कोई बता दे क्या मतलब है मटेरियल का। तो इफेक्ट करेगा कि किसी भी चीज को सब्सटेंशियल बस इतना काफी है, सब्सटेंशियल अमाउंट बोलना, बड़ा अमाउंट बोलना काफी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट बोलना काफी है, कंप्लीट नहीं हुई अभी तक डेफिनेशन, किस चीज को अफेक्ट करे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा एक एक करके बोलो, किस चीज को अफेक्ट कर रहे? फाइनेंशियल नहीं, किस चीज को अफेक्ट कर रहा है? कंपनी नहीं की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं शेयर होल्डर की रेट को शेयर होल्डर की वेल्थ को नहीं। आई मैं बता देता हूं, सो एनी सच डिस्क्रिपेंसी या कोई भी ऐसा ऐसा एरर, ठीक है, कोई भी ऐसा डिफरेंस जिसकी वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अफेक्ट नहीं देखना, अलग अलग फला चीजें नहीं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं आप? मटेरियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन अथॉरिटी है, सही है, अगर आप तो जो है ना वो मिलियंस का घपला करेंगे अपने प्रॉफिट में, कम करके दिखा रहे हैं आप, लेट से आपने एक्सपेंसेस बढ़ाए हुए, तो इससे टैक्सेशन अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो क्या हो सकता है? अफेक्ट हो सकता है। बात समझ में आ रही? कम टैक्स लेवाई कर रहे होंगे फिर आप पर जाहिर। सो दैट्स वाई इसी तरह से शेयर होल्डर का इकोनॉमिक डिसीजन, शेयर होल्डर वेट कर रहा था कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए तो मैं मजीद शेयर्स अगर अच्छी हुई तो खरीदूंगा, नहीं अच्छी मुझे नजर आ रही होगी पिक्चर तो मैंने जो शेयर्स खरीदा उसमें से हाफ क्या कर दूंगा, मैं बेच दूंगा मार्केट में। आपने अच्छी नहीं थी स्टेटमेंट अच्छी करके दिखा दी, इतना प्रॉफिट आपने जो है वो ओवर स्टेट कर दिया, जिसकी वजह से वो शेयर होल्डर को अगर सही पिक्चर दिखाते तो वो हाफ शेयर्स क्या कर रहा होता? बेच रहा होता, लेकिन ही एंडेड अप इन परचेजिंग मोर। सो ऐसी कोई भी मिस स्टेटमेंट को हम फिर मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा कोई भी अमाउंट मटेरियल कहलाता है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो जाए। सो किसका क्या इफेक्ट हो रहा है भाई? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन क्या हो रहा है? अफेक्ट हो, इकोनॉमिक खरीदना बेच सेल करना, शेयर्स की बात करें तो ये क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग इकोनॉमिक डिसीजन में इन्वेस्टिंग डिसीजन भी आ जाता है ना। तो इस तरह से इसको समझ लो, ये अम्ब्रेला बड़ी टर्म लिख दी हमने, अच्छा जी। सो इस सारे नॉलेज रिकैप का आखिरी क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग एक्सटर्नल ऑडिटर्स ओपिनियन कैन ओनर्स फील 100% सेटिस्फाइड अपॉन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सही है, मैंने एक्सटर्नल ऑडिट करवाया, मैं शेयर होल्डर हूं, उसने मुझे क्लीन चिट दे दी कि सर मैंने अच्छी तरह से देखा है आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
तो क्या मैं 100% सेटिस्फाइड फील कर सकता हूँ उस पर? ठीक है, कौन कौन कहता है यस? इतनी बड़ी एक्टिविटी आपने करवाई है, आपने इतने बड़ी फर्म प्रोफेशनल लोगों को बुलवाकर आपने चेक करवाया जिनका सीए निकल चुका है, वैसे सीए निकल चुका है, सही है, उनको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो लोग आके कह रहे हैं कि हाँ ये क्या कहते हैं कंपनी के अकाउंट स्टूडेंट फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन कहता है कि नहीं हम उसके बावजूद 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हम? कौन कौन ये कहता है ट्रस्ट नहीं कर सकते 100%? 1, 2, 3 ऑनलाइन फिर जो है फारिग बैठे में भाई, नहीं नो ट्रस्ट नहीं कर सकते अजीब। और हमजा तुम कहते हो ट्रस्ट कर सकते हैं, ये तो अजीब सा हो रहा है फिर कुछ। बड़ा सिंपल सा रूल है, जब ऑडिटर 100% चीजें चेक नहीं कर रहा तो 100% अश्योरेंस कैसे दे सकता है? लॉजिकल इनफ, जब वो 100% चीजें चेक नहीं कर रहा तो 100% अश्योरेंस भी नहीं दे सकता। सो इसका भी बड़ा सारा आंसर क्या निकलेगा क्लास? नो। अच्छा तो अब अगर ये सारे नॉलेज रिकैप के बाद अब अगर हम बेसिक सेंस बनाना चाहें कि क्यों ऑडिट करवा रहे हैं, तो वो एक तो छोटे उसमें लिख लिया था हमने कि ऑडिट क्यों करवाए, क्या चाहिए? अश्योरेंस। नाउ जरा अश्योरेंस की पिक्चर को हम जूम इन करते हैं, क्यों चाहिए अश्योरेंस, क्या जरूरत है अश्योरेंस की? मसला ये है कि लॉ ने कंपनी बनाने का ऑप्शन तो दिया है, लेकिन प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में स्ट्रिक्टली लॉ ने शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को क्या कर दिया? अलग कर दिया, जिसकी वजह से डे टू डे एक्टिविटीज में शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर उनको करना है और डायरेक्टर बनना है तो उनको अपनी शेयर होल्डिंग छोड़नी पड़ेगी, सही है? अब इस वजह से शेयर होल्डर्स जो कि डिसरप्शन नहीं कर सकते, न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि रोजाना कंपनी में आ गए डायरेक्टर से आज का हिसाब दे भाई कितने पैसे जमा हुए, सही? नहीं कर सकते वो ये काम। डायरेक्टर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से कि इस शेयर होल्डर को कंपनी में नहीं आने दिया जाए, या आके हम सबको जो है ना वो तंग करता है यहाँ पर, इसको लत लग गई है कि हम इसने एक दफा इसको हमने चाय और ये क्या कहते हैं रोल और चीजें खिला दी तो यार रोजाना यहाँ पर आ रहा है, सही? जो भी है सिलसिला, सो आप जो है वो ऑब्वियसली शेयर होल्डर एज अ शेयर होल्डर एज अ इन्वेस्टर नहीं जा रहे रोजाना कंपनी में। सो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई भी आपकी, जैसे मैं एक कंपनी के केस में हुआ ये कि एक शेयर होल्डर ने 98% शेयर खरीदे हुए कंपनी के, तो अब आप सोचो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई भी उसकी, सही है? ये रियलिटी, 100% इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है, 98% इन्वेस्टमेंट तो फिर भी छोटी है इस लिहाज से देखा जाए। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद जब आपको कंट्रोल किसी और के हाथ में देना पड़ता है तो दिल क्या होता है फिर, धड़कता है जोर जोर से शेयर होल्डर्स का, इसीलिए उनको चाहिए तसल्ली। अब जब वो ऑडिटर को बुलाते हैं तो दिस थिंग फंक्शंस लाइक द डॉक्टर सिनेरियो, जैसे हम किसी को कोई मसला हुआ सही है तो वो किसी डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर नंबर वन के पास चला गया, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखें आपके हार्ट में जो है ना वो मतलब आपकी वेन्स में कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से हार्ट पे ब्लड नहीं पहुंच रहा ठीक से, तो इसकी वजह से जो है ना वो एनजीओ हम क्या करेंगे वो ग्राफी करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे एनजीओप्लास्टी करके हो सकता है काम या आपका बायपास ऑपरेशन करेंगे, इसी की वजह से उसका दिल क्या होगा फिर और तेज तेज धड़कना शुरू होगा, हाँ ऑपरेशन होगा, मैं बेहोश होऊंगा, यहाँ कैमरा डाला जाएगा मेरे मुंह में, सही है? तो इसी से वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। सो वो ऐसे केस में वो पेशेंट पूरी दुनिया में यूजली मुझे बताओ क्या होता है जब किसी पेशेंट को डॉक्टर ने ऐसे बोला तो वो क्या करेगा, सही है? वो किसके पास जाता है फिर? दूसरे प्रोफेशनल के पास जाता है ऑफ द सेम काइंड, और क्या लेने जाता है वो? फर्स्ट ओपिनियन तो किसने दे दी? डॉक्टर साहब ने दे दी। सेकंड ओपिनियन वो किससे लेने जाता है? अरे दूसरे डॉक्टर से, बड़ा हो सकता है वो डॉक्टर से, ये जैसा भी है सेंसर है दूसरे डॉक्टर से कर लेते, ये बड़ा छोटा नहीं करते यहाँ पर, सही है? दूसरे डॉक्टर से ले ले लेता वो ओपिनियन। सो देखो यही गेम है सारा का सारा, यहाँ मरीज कौन है? जबरदस्त, यहाँ मरीज है शेयर होल्डर। पहला डॉक्टर कौन है? डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हैं कि भाई देखो ये प्रेस्क्रिप्शन है हमारी तरफ से तुम्हारे मर्ज की, ये रही दवा, सही है? अब वो मरीज जो है वो पहले डॉक्टर पे ट्रस्ट, क्योंकि डॉक्टर्स आर नियरली बचर्स, सही है? उनको पता होता है कि ये सर्जरी आसान है हमारे लिए, पैसे अलग आएंगे हॉस्पिटल और हमारी जेब में, और नंबर ऑफ सक्सेसफुल सर्जरीज परफॉर्म का हमारा रेशो भी क्या हो जाएगा, तो लेके इसकी क्या कर दो सर्जरी कर दो बस, सही है?
सो डॉक्टर्स क्या इस तरह का हो गई आदतें डॉक्टर्स की, तो इस वजह से हम एक डॉक्टर की बात पे ट्रस्ट, तो शेयर होल्डर्स भी पास्ट में भुगतते हुए आए हैं डायरेक्टर्स की हरकतें। डायरेक्टर्स ने कभी शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया, कभी क्रेडिटर के साथ फ्रॉड किया। एक अच्छे विजन से शेयर होल्डर्स ने कंपनी बनाई थी, इन्वेस्ट किया था, और वो कंपनी क्या कर दी डायरेक्टर्स ने, बर्बाद कर दी। उनको लारा लप्पा दे करके हमें कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है, देखें प्रॉफिट आ रहा है, देखें प्रॉफिट आ रहा है, देखें प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उल्टा लॉस हो रहा था, वो छुपा रहे थे उसको। सो ये सब चीजें बहुत हुई है पास्ट में, इसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट अराइज हो गया, और शेयर होल्डर नाउ नीड व्हाट, सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल ऑफ द सेम काइंड। जैसे फाइनेंस डायरेक्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो वो भी हमारे ही प्रोफेशन का होता है बंदा। तुम ही लोगों में से कोई आगे जाके जो है वो हो सकता है किसी कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर की पोजिशन टारगेट कर रहा हो, और हम ही लोगों में से कोई बंदा क्या कर रहा होता है, ऑडिटर इंटरनल की तो मेरे ख्याल से अब नहीं, लेकिन हाँ एक्सटर्नल ऑडिटर की पोजीशन जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं फिर लोग। तो वी आर सेम काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल। तो जहां आपने एक डायरेक्टर से ओपिनियन ले लिए कि उसने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दी है, तो वहां फिर आप किसके पास जा रहे होते हो, सेकेंड प्रोफेशनल के पास जा रहे होते हो कि जरा आप भी देखो और आप देखो इस मर्ज में क्या यही प्रिस्क्रिप्शन बनना चाहिए या नहीं। और वो प्रिस्क्रिप्शन में बार बार किसको कह रहा हूँ, क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो वो फिर ऑडिटर आके वही रिवर्स अकाउंटिंग कर क्रॉस चेक कर ठीक है, अपना स्केप्टिसिज्म एग्जीक्यूट कर वो थोड़ा श्योर होना चाहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रूथफुल और फेयर है। एक बार बड़े होते जा रहे हैं, अब दूसरी बार ये तो अभी तक देखते हुए आए, ट्रूथफुल है और फेयर है नहीं। अब जब ऑडिट में आके थोड़े और बड़े हो गए हो, तो दूसरी बात भी सुन लो, और एप्लीकेबल टेक्निकल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनी हुई है या नहीं बनी। ऑडिटर याद रखना सिर्फ ये चेक नहीं करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रूथफुल हैं और फेयर हैं, नहीं ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं डेप्रिसिएशन के लिए कोई ऐसा मेथड कंपनी यूज कर रही है जो अब क्या हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कंपनी लीफो यूज कर रही है आज, कहीं ऐसा तो नहीं वो क्या होता है भाई लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट ना, सो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हायर ऑफ पे कंपनी जो है वो अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रही है। तो ये भी चीजें फिर हमने देखनी है। ये बात समझ में आ जाती है सबको? चलिए मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है अब तक के डिस्कशन में तो पूछ ले मुझसे, ठीक है जी। सो ये तो हो गई कुछ नॉलेज ब्रॉटअप, ठीक है जो हमने देखा। अब हम इंशाल्लाह आपकी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ ऑडिट की बेसिक्स देखेंगे जो यहाँ आके आपको पता चलेंगी बेसिकली। सही है, जैसे मैं कह रहा था अभी किस चीज को हम क्या बोलते हैं कंफर्मेशन, किस चीज को इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीजें फिर हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज देख लेंगे, ताकि आगे हमारे लिए ये जो फैला हुआ कोर्स है उसको समेटना क्या हो जाए हमारे लिए आसान हो जाए। सो यहाँ तक रखते हैं आज के डिस्कशन को, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। ये चैप्टर वाइज है लेकिन मैं जो है ना वो टॉपिक वाइज लेके चलता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल, तो मैं जो है वो अब जैसे देखें आपको ये बेसिक्स जरा कवर करा के, फंडामेंटल्स कवर करवा के मैं आपको डायरेक्ट जो है ना वो फिर ऑडिट एविडेंस की तरफ लेकर जाऊंगा। और जब हम एविडेंस की बात करेंगे तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव टेस्टिंग, यानी वही रिस्क असेस करना और डिटेल टेस्टिंग करना, ये चीज देख रहे होंगे। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को रिस्क इथिक्स गवर्नेंस वगैरह की तरफ लेकर चले जाऊंगा, कैपलाइन में भी शुरू में ये चैप्टर्स दिए हुए, स्टडी हब में भी शुरू में तुम्हें ये चैप्टर्स मिलेंगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ नया नहीं देख रहे ऑडिट में, क्योंकि ये तो सारी F1 वगैरह वाली नॉलेज रिपीट हो रही होगी। सो पहले नया देख लेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाए हमारे लिए कि आज कोई पूछा अच्छा ऑडिट का पेपर स्टार्ट किया क्या कर रहे हो ऑडिट में, तो पता भी चले उसको बता भी सके। सही है, ऑडिट प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फोरेंसिक ऑडिट, क्या हाँ सही है यार, ठीक है बताया कर रहे ऑर्डर। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी इंशाल्लाह, ठीक। तो कचरा मैं हमेशा बाद में समिटवाता हूँ, आप लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको पता है। मेन चीजें हम क्या करते हैं फिर पहले कवर कर लेते हैं। सर क्वेश्चंस जो आप क्लास में करेंगे वो आप फिर चेक हाँ करेंगे बिल्कुल, वो चेक करूंगा मैं, तो वो चेक करे बगैर चारा नहीं है ना बिना, बिल्कुल ऑब्वियसली। क्लास इधर स्टार्ट करेंगे क्लास 6:15 तक मैं स्टार्ट कर लूंगा इंशाल्लाह। शेयर कर दें ये नोट्स विद रिटन आंसर्स, हाँ मैं ये शेयर कर दूंगा अभी ना हाशिम, ये अभी ग्रुप पर आ जाएगा तुम्हारे।
चले जी, हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को मिलेंगे अब, सही है? टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।